والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आप सबको खुश आमदीद। शहजाद साहब जरा कंफर्म कर दें कि आयात तस्वीर आवाज आप तक पहुंच रही है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल क्लियर, वीडियो भी ठीक है और स्लाइड्स भी नजर आ रही हैं। स्लाइड शो नहीं हुआ हुआ, इसको शायद आपने करना है। स्लाइड शो कर देते हैं। आवाज भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारा प्रोग्राम कुछ यूं होगा कि हम इंशाल्लाह, आज बड़ा मुबारक दिन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सूरत मरियम की हम आखिरी आयात की तलावत भी सुनेंगे और आयात का माना, मफहूम, शरा, ग्रामर, तदब्बुर, असबाक भी इसमें से अखज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम इंशाल्लाह मगरिब से पहले, लाइक राइट नाउ, हम इसकी दो चीज़ें कर सकते हैं। इसके मजामीन पर एक नज़र डाल लेते हैं ओवरऑल सूरह मरियम के, और ताकि जब हम इसकी आखिरी आयात की तलावत करें तो पूरा सूरह मरियम का मजमून हमारे सामने हो। उसके बाद हम इंशाल्लाह जिस तरह हम अक्सर करते हैं, इसका सर्फ, नहव और तदब्बर पॉइंट ऑफ व्यू से आयात को देखेंगे। और आज हमारा जो इंशाल्लाह रोल कोशिश होगी कि एक तो पूरा सूरह मरियम की रिवीजन भी हो जाए और उसमें जो मेन पहलू हैं, नॉट सिर्फ मजामीन के बट पॉइंट्स ऑफ जो जिन पर तदब्बुर किया जा सकता है, जिनसे असबाक लिए जा सकते हैं, उस पर हम रोशनी डालें और फिर हम तैयारी करें फॉर द कमिंग वीक्स, यानी अगले हफ्ते क्विज और एक शहजाद साहब मेंटोर्स की मीटिंग इस हफ्ते आपने सबका टाइम लेकर करनी है। हमने उसके बाद नेक्स्ट वीक के बाद चेंज अराउंड करने हैं अपने मेंटोर ग्रुप्स, उसमें भी आपकी मशावरत चाहिए कि कैसे करने हैं। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को भी चॉइस दी जाए कि वो जहां भी जिस ग्रुप में चाहें वो अपने आप को पेश कर सकें, लेकिन आपने ग्रुप्स जो है ना रीशफल करने हैं सूरह ताहा से शुरू करने से पहले। लेकिन नेक्स्ट वीक हमारा क्विज है इंशाल्लाह, दैट्स द मेन टॉपिक। तो आइए सूरह मरियम की अगर हम मजामीन की तरफ देखें तो दो तरह से इसको हम देख सकते हैं। एक मजामीन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आयात वाइज क्या डिस्कस हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबी अजमईन। अच्छा, सूरह मरियम के मुतल्लिक दो बातें। एक तो इसके मजामीन कुछ सूरह आले इमरान से भी मिलते जुलते हैं। आज हम वो कनेक्शन भी इस्टेब्लिश करेंगे उन आयात के जरिए जहाँ पर यही इसी मजमून का तज़किरा हुआ है, किस अंदाज में हुआ है, और कुछ चीज़ें वहाँ पर हमें ज्यादा वजाहत से मिलेगी। दूसरी बात यह सूरह के मुतल्लिक कि इसका जो मजमून है वो सूरह काफ़ से बहुत मिलता जुलता है, जिसका उसका बिगिनिंग और एंड, इसका बिगिनिंग और एंड जो बातिल अकीदा है ईसाइत का, उसकी तरदीद है, उसकी सख्ती, उस पर वईद और उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकीदे का हिस्सा, क्योंकि वो उम्मत हमसे पहले वाली है और इस वक्त भी दुनिया में ये अकीदा जो है प्रेवलेंट है, मौजूद है। तो हमारी इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम इसकी सख्ती को आज समझ सकें। सूरह मक्किया है, नुजूल हिजर अबशा से कुछ पहले, और नजाशी के दरबार में हजरत जाफर इब्न अबी तालिब ने इसको रिसाइट किया, इसके पहले दो रुकू, और पहले 15 आयात जकरिया अलैहिस्सलाम और यहिया का, हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम का किस्सा या उनकी विलादत मौजाना तौर पे, 16 to 34
हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहि सलाम का किस्सा, देन 41-58 जो आयात हैं वो अंबिया, मुख्तलिफ अंबिया का जिक्र, इब्राहिम अलैहि सलाम से लेके इसहाक, याकूब, मूसा, हारून, इस्माइल, इदरीस अलैहि सलाम, नूह अलैहि सलाम का तस्करा, फिर जिन लोगों पर इनाम हुआ उनका तस्करा, और उनके बाद आने वालों का तस्करा जिस पर हम आज बात करेंगे तदब्बर में, कि ऐसे नाखल्फ लोगों का जिक्र जिन्होंने अपनी नमाजों को जाया कर दिया। सबर की तलकीन, इंसान की फितरत के मुतल्लिक बात की जाएगी, की गई है कि उसका अकीदा बासुल मौत यानी मौत के बाद उठने पर कमजोर है। इंसान पहले कुछ भी नहीं था और जो कुछ है इस दुनिया में छोड़कर चला जाएगा, अकेला अल्लाह ताला के पास हाजिर होगा हिसाब के लिए। सबको पहुंचना होगा उस आजमाइश के मुतालिक, यानी जहन्नम के करीब से गुजरना होगा। मुराद ये है कि हर एक जो है वो इस पहलू को, जो उसने जो कुछ गुनाह किए हैं या जो गलतियां किए हैं उनकी सख्ती को देखना भी होगा और माफ़ी भी है। और फिर ये बात बताई गई उन लोगों के बारे में जिन्हें जब वो आयात को सुनते हैं तो उन पर क्या गुजरती है, और वो गिर पड़ते हैं सजदे में रोते हुए। फिर आखिर में जो आयात है 76 ऑनवर्ड्स के, हिदायत पर चलने वालों को मजीद हिदायत, और शफात का भी कॉन्सेप्ट आएगा कि किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। दो गिरोह मुत्तकीन और मुजरिमीन का जिक्र किया जाएगा। फिर आखिर में फिर ईसाइत के अकीदे की सख्ती से नफी, और फाइनल आयात जो है आज की जो आयात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक तो कुरान के जरिए नसीहत, और फिर ये कि जो ईमान की राह और नेक अमाल करेगा उसके लिए अल्लाह ताला इंसानों के दिलों में मोहब्बत डाल देंगे और दुनिया में उनके लिए खुशखबरी है और आखिरत में भी खुशखबरी है। जबकि मुखालफत करने वालों के लिए पुरानी तबाहशुद कौमों के बारे में जिक्र किया गया, ये मजामीन है, इनके बारे में हम बात करेंगे। जिन बातों पर मैं चाहता हूँ कि इस पूरा हफ्ता जो है हम बार बार आयात सूरह मरियम की हम पढ़ें और उनमें से वो पॉइंटर्स निकालें। तो एक होमवर्क आपका सबका ये है, शहजाद साहब इसको जरा शेयर भी कर दीजिएगा ग्रुप्स पे, कि सब ने अपनी एक एक फेवरेट आयत सूरह मरियम से निकालनी है और सबके साथ शेयर करनी है और बताना है ये क्यों फेवरेट आयत है, यानी मेरी फेवरेट आयत ये क्यों है। तो अगर टाइम मिला तो एंड पर मैं आपको आपके साथ अपनी ये फेवरेट आयत शेयर कर दूंगा। तो इससे ये है कि हमारा शौक भी बढ़ेगा और हम सोचेंगे हम इस आयत को क्यों फेवरेट से मुराद ये सारी फेवरेट हैं, पर्सपेक्टिव के जिसका असर मुझ पर बहुत पड़ा, ये जिस से मैं बहुत सीख सकता हूँ, या ऐसी आयत जो कि क्योंकि एक आयत ही हिदायत के लिए काफ़ी हो सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आयात को आज देखेंगे। और सेकंड जो अभी टाइम है 5 मिनट, तो मैं जो बात करना चाहता हूँ सूरह मरियम का जो एक जो इंटरनल मौजज़ा और जो तदब्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी समरी क्या है, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर सूरह मरियम की तमाम आयात को बार बार पढ़ा जाए तो उसमें से जो आपको जो उसका जो जिस्ट मिलता है वो है कि अल्लाह ताला की कुदरत, यानी जब भी किसी मौजज़े का जिक्र होता है तो अल्लाह ताला की कुदरत का जिक्र है, और अकीदा पुख्ता होने का, तो अल्लाह ताला की कुदरत का जिक्र है, अकीदा तौहीद मेंशन है, रिसालत के मुतालिक यानी अम्बिया का तस्करा है, दावत की बात हो रही है, और उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो आखिरत है कि आखिरत में क्या होगा। और दो गिरोहों को कम्प्लीटली बताया गया है कि एक साइड पर ऐसे लोग हैं जिनको जहन्नम के पास घुटनों के बल, जो प्यासे वहाँ होंगे, शफात नहीं होगी, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया और वो मेहमान नवाज होंगे, जन्नत की सिफात बताई गई, और इधर वे कहा गया कि सब के सब अकेले एक एक ही आएंगे और माल और औलाद यहीं पे रह जाएगी। एक ही एस्पेक्ट है सूरह मरियम का,
एक और एस्पेक्ट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और जिसके बारे में आज हम थ्रू आउट दी सूरा बात भी करेंगे कि सूरा मरियम को अगर हम तदब्बुर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो व्हाट इज द मेन थीम। बल्कि मेरा ख्याल है मैं यहाँ पर इन दो तीन पॉइंट्स पर मैं स्टॉप करके आपको सोचने का मौका दूंगा कि जब हम सलातुल मगरिब के बाद आए तो चूंकि आप तकरीबन सूरह मरियम एंड कर चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा इसका मेन थीम क्या है सूरह मरियम का, यानी थीम से मुराद ये है वो कौन सी चीज है जो कि उजागर होती है या हमारे सामने बार बार आती है जिससे इसके थीम का अंदाजा लगाया जा सके, और जब थीम सामने आती है तो देन लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो वो रैप अराउंड करते हैं उस थीम के। एक चीज थीम मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, हम करेंगे आफ्टर सलातुल मगरिब। दूसरी बात जो नजर आती है अकीदे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अंबिया ने दुआएं कैसे और क्यों कर मांगी, तो दुआ भी एक इबादत है। इस पर मैं चाहूंगा कि हम आज के सूरा के एंड पे डिस्कस करें कि दुआ इबादत कैसे है और हम कैसे सीखते हैं कि ये इबादत है सूरा मरियम से। तीसरी बात जिस पर हम फोकस करना चाहेंगे वो कौन कौन से ऐसे मौजज़ात हैं, यानी कुछ तो हमने जिक्र कई दफा कर चुके हैं कि विलादत की है, इसके अलावा और भी मौजज़ात हैं जो कि सूरा मरियम में नजर आते हैं अल्लाह ताला की कुदरत को बताते हुए और हमारे लिए कुछ क्लैरिफिकेशन देते हुए, तो वो कौन से हैं ऐसे हैं, खासकर आज की आयात को सामने रखकर हम बात करेंगे। और फाइनली हम ये भी चाहेंगे कि टूवर्ड्स द एंड कि हम तदब्बुर अगर करें तो कैसे करें, उन पॉइंटर्स को सामने हम रखेंगे। तो मेरा ख्याल है अब हम आयात को, आज की आयात को सुन लेते हैं, देन वी विल गो ब्रेक फॉर मगरिब एंड देन कम बैक इंशाल्लाह। तो आइए आज की आयात को सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان اور مغرب کے بعد انشاءاللہ 6:45 پر ویل ری جوائن۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میاں صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ۔ اچھا 6:45، مجھے پتا چلا کراچی میں مغرب کی نماز دیر سے ہوتی ہے، لیکن دیر از نتھنگ وی کین ڈو رائٹ ناؤ، واپس لیسن شروع کرتے ہیں، لیکن ویک آفٹر نیکسٹ ہم مغرب کے بعد کلاس شروع کیا کریں گے انشاءاللہ، تو جو بھی ٹائم ہوا دا ویک آفٹر وی شیل ڈسکس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک کیو سی سیون کی کلاس۔ آج ہمارا درس سبق آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 98، اینڈ آف سورہ مریم۔ تو ہم نے پچھلا سیشن اینڈ کیا تھا کہ ہم شروع کریں گے کہ اس سورہ کی بیسک تھیم کیا ہے۔ کیا کسی نے سوچا اس کے متعلق؟ Can anybody share with me the primary theme of سورہ مریم؟ نہیں سوچا، چلیں۔ سسٹر سیما آپ نے کیا سوچا؟ سر جی مجھے جو احساس ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا بھی اس میں ذکر کیا ہے، اور یہ اس کا جب ہم شان نزول دیکھتے ہیں کہ جب حضرت مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے تو بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ ایک ہی دین لے کے آئے ہیں،
जिसमें अल्लाह की ज़ात एक है और सबकी एक ही तालीमात थी। और आज जिस तरह से मुसलमान जो हैं मजबूर होकर यहाँ से निकल रहे हैं, इसी तरह से हज़रत इब्राहिम भी निकले थे। तो कुफ्फार को एक तंबीह हो रही है और दो ग्रुप ही हुए हैं हमेशा ना। तो कुफ्फार को एक तंबीह है कि जिस तरह से हज़रत इब्राहिम जो थे वो ज़्यादा ताकतवर हुए थे, इसी तरह से ये मुसलमान भी होंगे। और इससे हर ज़माने के मुसलमानों के लिए एक जो कहने की उम्मीद बनती है कि अल्लाह का साथ जो है हमेशा जो है इसी ग्रुप के साथ रहता है कि जो अंबिया का ग्रुप के तरीके पे चलते हैं। मुझे ये समझ में आया। ये तदब्बर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स गुड आइडिया। हम एक थीम पर आना चाह रहे हैं कि इस सूरह को पढ़कर बार बार क्या थीम सामने आती है। डॉक्टर फौजिया, अगर थीम के बारे में बात करनी है तो तदब्बर हम आखिर में डिस्कस करेंगे एंड पे। जी डॉक्टर फौजिया। सर थीम का तो इसका है कि जो ही सूरह मरियम जहन में आती है तो ये पूरा वाकया हिजरत का और उनके नजाशी के दरबार में उनका कहना, यही सबसे पहले जहन में आता है हर मुसलमान के। तो इसमें यही है कि आखिर इसी सूरत का इंतखाब क्यों किया गया उनके दरबार में। तो ये सूरत ज़ादे राह के तौर पे दी गई थी ताकि वो उस वक़्त वहाँ के बादशाह के दरबार में जहाँ के बग़ैर इजाज़त बोल नहीं सकता इंसान, वहाँ पे उन्होंने कलमा हक बुलंद किया। तो ये बताया गया है कि दीन के मामले में और अल्लाह की तौहीद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए किसी भी किस्म की कमज़ोरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको किसी का कितना भी खौफ क्यों ना हो, आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज़्यादा और पहले होनी चाहिए। तो उन्होंने उस वक़्त उस दरबार में ईसा अलैहिस्सलाम का ये आयतें पढ़ के बताया कि वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं और इस बात पे वो फिर सुरखरू हुए। तो आज ये सूरत मौजूदा, मतलब अगर हम देखें तो ये पूरी की पूरी सूरत, इसकी जितनी भी आयात हैं मौजूदा दौर में बहुत ज्यादा आपको इनकी मुमासलत मिलेगी कि इस वक्त भी जिस हालात में खातम नबीन का बिल कि इसको शिक को निकाल दिया जाए असम्बली में पेश किया गया, तो वैसे तो आप देखें कि ईद मिलाद पे कितने नारे लगते हैं कि हुरमत रसूल पे जान भी कुर्बान है और सर कटा देंगे, लेकिन किसी ने धरने नहीं दिए, किसी ने रास्ता नहीं रोका इस बिल का। और अल्लाह ताला ने उस एक बंदे को तौफीक दी जिसको कि हम सबसे ज्यादा मतलब है कहते हैं कि हमने कभी उसको किसी काबिल समझा ही नहीं, उसने असम्बली में कहा, हालांकि मौलाना फजलुर रहमान को ये बात करनी चाहिए थी, जितने मौलवी वहां पे इकट्ठे हैं उनको कहना चाहिए था कि खातम नबीन का लफ्ज नहीं निकालना बिल में से, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। तो उस वक्त किसी ने भी इस कलमा हक को बुलंद नहीं किया। तो ये सारी बातें जो है ये सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं है, जब आपको अमल करने की जरूरत पेश आती है, आपने इनको अप्लाई करना होता है, तो उस वक्त खौफ के बुत जो है वो आपको घेर लेते हैं। और मैं कहती हूँ कि यही सबसे बड़ा शिर्क है। नौकरी चली जाएगी, रिस्क खत्म हो जाएगा, जिंदगी चली जाएगी, ये हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं ये चीजें हैं, ये सिर्फ इन पे गौर करने की है। और मेरे जहन में तो यही इसका थीम है मेन, कि तौहीद जो है और रिसालत। चलिए करेक्ट, ये थीम आपने बताया। डॉक्टर अक्षंदा, आप क्या ऐड करना चाहेंगी थीम के हवाले से? थीम के हवाले से ये सर के तौहीद ही जो है इसमें उसका ज्यादा बयान किया गया है। और इन वन लाइन आई कैन से दैट कि अल्लाह पे तवक्कल रखते हुए मुसलमानों को दीन का जो मामलात हैं उसमें ज़रा सी भी कमज़ोरी वगैरह नहीं दिखानी चाहिए, किसी किस्म के भी हालात हों इस बात पर अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि कलमा हक बुलंद करने वाले ही अल्लाह की मदद से हमेशा सुरखरू रहते हैं, दूसरे लोग जो हैं वो अल्लाह के अजाब के हकदार ठहरते हैं। ठीक है, ये भी थीम है। सिस्टर अनीस फातिमा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तो सिर्फ ये एक अगर बहुत ही शॉर्ट उसमें कहा जाए तो शिर्क से एलानिया इनकार, मतलब उसमें जो डॉक्टर फोज ने भी इस पर काफी बात की जी, और आखिरत पे यकीन, आखिरत ये दो चीजें काफी हद तक हमारे ईमान को मुकम्मल करती है। मक्की सूरह में हमें बहुत रिपीटेडली ये बेसिकली ये अपने नफ्स से जंग करने की इब्तिदा होती है ना, मतलब आप जब ईमान की तरफ आते हैं तो ये फर्स्ट है जो जी करेक्ट। आपने मक्की की भी बात की, अच्छा करेक्ट। सिस्टर नसरीन, लास्ट कमेंट्स फ्रॉम यू।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, मेरी सिस्टर ने जाहिर है माशाल्लाह बहुत बातें बता दी, लेकिन मेरे नज़दीक एक तो ये तसलीस का अकीदा तर्क करने का है, और दूसरा जो है खालिस तौहीद के तौहीद पर कायम रहना, और बाकी ये सारी चीजें मेरी सिस्टर ने बता दी जो मैं बताना चाह रही थी। ठीक है, चले करेक्ट। मैं आपके साथ ऐड करता हूँ, मैं आप इतफाक करता हूँ सबके एनालिसिस से, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर सीमा से लेकर सिस्टर अनीस फातिमा, डॉक्टर अक्षंदा, सिस्टर नसरीन एंड द रेस्ट। तो मैं एक देख रहा था, एक सूरह मरियम पर एक लेक्चर सुन रहा था, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शेख बसाम जर्रार उनका नाम है, तो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया, तो मेरे बात दिल को बड़ी ये बात लगी, तो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नोट करें इस लफ्ज में अर रहमान कितनी मरतबा आया है, तो अर रहमान जो है सूरह में 16 मरतबा आया, 16 टाइम्स, और पूरे कुरान करीम में अर रहमान 57 टाइम्स आया है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 30% इस सूरह में आया है अर रहमान के नाम से। और ये सूरह शुरू कैसे होती है, ज़िक्रु रहमती रब्बी का अब्दहु ज़करिया, ये सूरा ज़करिया के बारे में नहीं है, अंबिया के बारे में नहीं है। कहने का मुराद ये है कि ये सूरा अल्लाह ताला की रहमत के मुतालिक है, कि अल्लाह ताला की ये रहमत है जिसकी बदौलत अंबिया को हिदायत मिली। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि जगह जगह पर जहाँ पर अल्लाह का इस्तेमाल हो सकता था और रहमान का इस्तेमाल किया गया। And it would be interesting to go down on each ayat, और उसके फहम को हम समझ सकते हैं। QC1 से हम ये देख रहे हैं कि जो रहमान का जो रूट है वो क्या है, रा हा मीम जो है रहम, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जो मदर्स वूम रहम जो है उसमें क्या होता है, एक बच्चा जो है वो परवरिश पाता है। कैसे परवरिश पाता है, बिफोर इज बॉर्न there is somebody who loves him or her, yani usko does a child in the mother's womb know ki ek entity uski mother hai jo uska khayal rakhti hai, usko feed karti hai, uska har tarah se protection uski karti hai aur usse love karti hai, yani ek mohabbat hai। to Allah taala ne apna naam jo hai is naam se agar उसका इत्तेखाज़ किया है, तो सोचिए अल्लाह ताला भी एक ऐसी जो है ना ज़ात है जो हमसे मोहब्बत भी करती है, जो हमें प्रोटेक्ट भी करती है, एंड चाहे हम उसको माने या ना माने, जाने या ना जाने, ये कनेक्शन रहमान का हमारे साथ है। तो इस सूरह में जो रहमान का तज़करा है, इस अंदाज में अगर हम देखें कि जब रहमान मेंशन किया गया तो हम पर एक नेमत की बात की गई, रहमान ने हमारा, यानी हमें वो इस बात की तरफ बुलाया जा रहा है कि बी थैंकफुल टू दैट रहमान जिसने ये किया तुम्हारे लिए। तो एक तो ये रहमान का कॉन्सेप्ट, और वी नो कि रहीम जो है ऑल्दो दैट्स सिफा मुशब्बा में कंटिन्यूस रहमत की बात हो रही है, लेकिन रहीम लफ्ज जो है वो इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन रहमान जो है एक्सक्लूसिवली जो फ़ालान के पैटर्न पर है रहमान, और इसमें शिद्दत और इसके अंदर पाई जाती है कसरत, वो अल्लाह ताला ने अपने लिए मखसूस किया। तो एक ये बात जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है सूरा के बारे में, और दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग जिसका उन्होंने जिक्र किया कि दुआ जो है वो इबादत है, और अगर आप इन दुआओं को इन पर गौर व फिक्र करें तो अंडरस्टैंड करें किस तरह अंबिया जो है अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते थे, उनकी गुफ्तगू में कितना तवक्कुल था, किसी ने ये बात भी की है, और वो किस अंदाज में अल्लाह से मांगते थे। तो आज हम इंशाल्लाह सूरह आले इमरान की भी उन आयात की तलावत करेंगे जिनका कनेक्शन इसके साथ है। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये तो अंबिया में और नेक लोगों में एक सिफ्त पाई जाती थी कि अल्लाह ताला से मुखातिब होकर जो दुआएं करते थे, दैट्स कनेक्शन। दुआ तो What is dua? Dua means के reaching out to Allah subhanahu wa ta'ala। किन अल्फाज में ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रीच आउट किया, और इससे पहले हजरत मरियम की वालदा ने किया था। इफ यू रिकॉल उन्होंने क्या कहा था कि मैं चाहती हूँ कि
कि मैं नजर में दे दूं अपनी औलाद को तेरे खातिर, तो हो गई बेटी। तो देयर इज अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन, उसके बारे में आज देखेंगे कि जब अल्लाह ताला ने उनको बेटी अता की तो उसका क्या मकसद था, कि वो बेटी ने आगे बेटा अता करना था। और दूसरा दुआ का जो एक यानी सोचने वाली बात यह है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, किस मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं? तो दुआ का मकसद यह है कि वो इस्तिमरार दावा, यानी वो चाहते हैं कि मेरे बाद जो है दावत कंटिन्यू रहे। क्या उनके बाद दावत कंटिन्यू रही थी? बड़ी इंटरेस्टिंग तदब्बर वाली आयत है। क्या हज़रत ज़करिया के बाद उनकी ये दुआ के मेरे बाद मैं चाहता हूँ दावत जो है ये बरकरार रहे मेरी, यानी मेरी सब बनी इसराइल की जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से चली आ रही है ये कंटिन्यू रहे? डिड इट कंटिन्यू? यानी उनका इट डिड और इट डिड नॉट नहीं फातिमा? सर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, हजरत याहया को भी यूथ में खत्म कर दिया, पर हजरत ईसा भी तो आगे वो कंटिन्यू नहीं हुई, खत्म हो गई वहां पर। फिर उसके बाद इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उसमें गैप आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, यानी वो उम्मत खत्म हो गई। अंबिया को उनको एक फीलिंग थी इन्नी खिफ्तुल मवाली, यानी उनमें ये एक था कि जी क्या अब आगे दावत चलेगी? लगता नहीं कि जो मेरे सामने हालात हैं इनमें तो कोई ऐसा शख्स नहीं जो दावत को लेके आगे जाएगा। तो अल्लाह ताला से उन्होंने मांगा, अल्लाह ताला की हिकमत कि उन्होंने उनकी बात रद्द नहीं की, मान ली, अता भी कर दी, और याहया अलैहिस्सलाम को तो बहुत जल्दी उठा भी लिया उनको। आपको पता है कि मर्डर हो गया था एंड ही डिड नॉट लिव टू, और ईसा अलैहिस्सलाम जो ओरिजिनल प्लान में चला आ रहा था कि मरियम अलैहिस्सलाम का बेटे होंगे, वो भी आगे दावत ना चल सकी और वो दावत जो है वो इन्फिल्ट्रेट हो गई, और उसी बात का यहाँ बात होगी कि उनका अकीदा गलत हो गया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की जा रही है कि यू आर द वन टू कंटिन्यू द दावत। तो अंबिया के बाद नेक्स्ट नबी यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो हम इन बातों पे आज फर्दर बात करेंगे, और ख़ासकर आयात जो एंड पर हैं, आयात नंबर 96-98 पे भी खास बात करेंगे, और मैं आपसे आपकी फेवरेट या जो मोस्ट इफेक्टिव आया उस पर भी बात करूंगा। लेकिन लेट्स मूव ऑन एंड फर्स्ट कंप्लीट हमारा जो रेगुलर सर्फ नाप को कंप्लीट करें, बिकॉज इसमें जब हम शुरू से पढ़ेंगे इसको दोबारा तो तदब्बुर करेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी इसकी, यानी अल्फाज की बनावट, अल्फाज का चुनाव, उनका रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन सम वे दैट इफेक्ट्स अस। तो आइए इन आयत को एक दफा फिर से सुन लेते हैं। आऊदु बिल्लाह, इस आयत से पहले वाली आयत थी, फला ताजल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, बस जल्दी ना करें आप उन पर यानी उनके लिए कि हम उनके लिए गिनते जा रहे हैं उनके दिन, यानी उनके लिए जो दिन है उनके वो गिनती के हैं, गिने जाएंगे। अब क्या होगा क्यामत के दिन? यौम नहशरुल मुत्तकीन, वो दिन ऐसा होगा जब हम इकट्ठा करेंगे मुत्तकीन को। तो याद रखिए दो ग्रुप्स हैं, मुत्तकीन और मुजरमीन। मुत्तकीन को हम इकट्ठा करेंगे इलर रहमान, रहमान के पास, रहमान की तरफ। यानी इट्स इंटरेस्टिंग कि एक तरफ अगली आयत में कैसे इस पे बात की जाएगी और किस अंदाज में हम उनको पेश करेंगे या जमा करेंगे, वफदा यानी एज गेस्ट, एज मेहमान, एज स्पेशल पीपल। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा, और हम यानी हांकेंगे मुजरिमीन को जहन्नम की तरफ इस हाल में कि वो प्यासे होंगे। तो ये उनकी हालत बयान की जा रही, किस हाल में वो वहां पे होंगे, एक वफदा की हालत में आएगा और एक विरदा प्यासी सूरत में आएगा। ला यमलिकून शफा इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमानी अहदा, फिर से रहमान से बात हुई है, वो लोग इख्तियार नहीं रखेंगे शफात का। इसका मतलब है शफात पे भी डिस्कशन होनी चाहिए कि शफात से क्या मुराद है। शफात ऐसी चीज है जो इंसान को बचा लेगी, कैसे बचाएगी? उनका कोई इख्तियार नहीं होगा सिवाय
उनका जिनका मन तखज़ा रहमान, जिन्होंने ले रखा होगा रहमान से कोई अहद, यानी वो अहद क्या है जो रहमान और हमारे दरमियान है, और अगर उस अहद पे हम कायम हैं तो हमें वो शफात नसीब होगी। वकालु तखज़ा रहमान वलदा, और कहते हैं ये इमेजिन व्हाट डू दे से, इत्तखज़ा रहमान वलदा, कि रहमान ने एक औलाद ले ली है, ये कैसी बात करते हैं। लकद जितुम शैयन इद्दा, नोट द चेंज, यानी ये जो इल्तफात है कि अब बात हो रही है डायरेक्ट उनसे मुखातिब होकर मुजरिमीन से कि तुमने क्या किया, लकद जितुम, तो यकीनन तुम ले आए हो, यानी तुम एक बात ऐसी कर रही हो जो क्या है, शैयन इद्दा, ऐसी बात है जो बहुत ही इंतहाई नापसंदीदा है, बुरी है, नासेबा है, तुम ऐसी बात लेकर आयो, ये ऐसी बात है कि तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु, करीब है, यानी ऐसी बात है, गुफ्तगू ऐसी कर की जाए तो करीब है कि आसमान जो है वो फट पड़े। मिन्हु, उस कॉल की बतौल जो तुमने क्या किया, इत्तखज़ा रहमान वलदा, ये इतना बुरी और नाज़ेबा बात है कि करीब है कि आसमान इस पे फट पड़े। वतन शक्कुल अर्द, और जमीन शक हो जाए। वतखिरुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ गिर पड़े धड़म से, एक ऐसी आवाज से, यानी वो हो जाए टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाए। अंदावर ले रहमानी वलदा, यानी किस बात पर, कि ये पुकारते हैं, इन्होंने ये पुकार, इनकी ये जो बात है कि रहमान ने वलदा, वो एक औलाद ले लिया, अगर ऐसी बात करने का भी ये सख्ती बयान की जा रही है। वमा यम बगील रहमानी अं यत्तखिज़ा वलदा, ये शायान शान नहीं, ये सेबा नहीं देता रहमान को, कितनी मरतबा रहमान आ जा रहा है, अं यत्तखिज़ा, कि वो एक बना ले वलद यानी औलाद। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्थ, यानी जो कुछ भी, जो कोई भी है आसमानों और जमीन में, यानी जो भी एग्जिस्ट करता है आसमानों और जमीन में, वो क्या होगा, इल्ला, यानी के वो आएगा, इल्ला आती रहमानी अब्दा, कि वो रहमान के रूप बरू जो है आ जाएगा, यानी सब के सब, कोई ऐसा नहीं है जो बच सकेगा, एवरीबॉडी विल बी देयर, और इससे पहले भी बात हुई है कि वो अकेले अकेले आएगा। लकद अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा, फिर वही बात हो रही जो पहले हुई थी कि बस उसने उनको, उसने उनके घेरा बना लिया है, घेर लिया है उनको, और शुमार कर लिया उनको, गिन गिन कर, यानी वेल डॉक्यूमेंटेड है, वो बच नहीं सकते। वो कुल्लुहुम आती ही यौमल कियामती फर्दा, और सब के सब, उनमें से हर एक क्यामत के दिन आएगा, और किस हाल में आएगा, बिल्कुल अकेला, कोई उसके पास हेल्प करने के लिए नहीं होगा। तो ये तो आयात के का बेसिक तर्जमा है, और आइए आप देखते हैं हम उन अल्फाज को जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, नए हैं, गरीब हैं। जब गरीब कहते हैं अरबी में तो माना होता है अजनबी हैं, यानी ऐसे, और कम अल्फाज अजनबी होते हैं, ज्यादा अल्फाज को हम जानते हैं। योमा, अभी बात करेंगे, योमा अगर शुरू हो रहा है मंसूब से, नसब से, तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। नहशरुल मुत्तकीन, हशरा या अशरु, जमा करना, हम जमा करेंगे अल मुत्तकीन, तकवे वाले, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, हमें बनाए उनमें से, इल्ला रहमान, और रहमान की तरफ। वफदा नया लफ्ज है, इसको देखते हैं कि वफदा जो है लफ्ज, ये कैसे बना होगा। वैसे हमने ये लफ्ज, आई एम नॉट श्योर पहले आया या नहीं आया, लेकिन वफदा यफिदु, दरबा के पैटर्न पे वफूद, बेसिकली माना ये होता है वफूद का, या वफ्त जब जाता है किसी को, यानी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हम ये, कि वफ्त, एक ग्रुप बनकर किसी को भेजना। लेकिन ये इसका एक और माना भी होता है कि वो जो
जो अच्छा तो वफदा यफिदु में इसम फाइल क्या बनेगा, वाफिद, यानी वो जो भेजा गया, तो वो जो भेजा जाता है एज अ कासिद, एज ए रिप्रेजेंटेटिव किसी और बादशाह के पास, कासिद बन के वो जाता है, वो नुमाइंदा बन के जाता है, तो ही इज गिवन, ही इज टेकन इन द हाईएस्ट रिगार्ड, उसकी जो इज्जत होती है और उसको जो यानी दुश्मन के पास भी जाना जाता है, उसको अंडरस्टूड होता है कि उसकी जो है ना वो उसको इज्जत देंगे, तो बहुत और मुकाम होता है वाफिद का, तो वफ्त यानी मेहमान नवाजी, इसका मतलब है कि जब उनको इकट्ठा हम करेंगे तो इट विल बी इन द शेप ऑफ वेलकमिंग, तो वफदा। और ये इस्तेमाल होता है लफ्ज यानी जनरली भी अगर आप कहें कि और इला के साथ, टिपिकली यहाँ पर भी इला के साथ हुआ, इला के साथ हुआ है, जब हम कहें वफदुन इलल अमीर यानी बादशाह के पास, तो उसका मतलब है कि वो कासिद बनकर गया, बतौर मेहमान बन के गया, तो उसकी इज्जत एहतराम जो है वो फिर जरूरी हो जाती है इवन इन टाइम्स ऑफ वॉर, तो मुत्तकीन लोग यहाँ पर उनकी बात हो रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा लफ्ज है, अगर मैं कोई मिस कर जाऊं तो यू कैन आस्क मी। नसूकू साका यसूकू, नो इश्यूज। मुजरिमीन, नो इश्यूज। अजरमा युजरिमु, मुजरिमीन। इला जहन्नम, विरदा, विरदा हमने किया था, इफ यू रिकॉल हमने चंद लेसन पहले ही पढ़ा था, हमने कहा था कि वरादा यरीदु वुरूदन का माना होता है, असल माना इसका जो है पानी तक पहुंचना या आना, लेकिन फिर इस्तेमाल में ये किसी चीज तक पहुंचने को भी कहते हैं, तो वहां पर हमने वारिद की बात की थी, वारिदुहा, वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, यानी पहुंचेंगे उस तक, तो यहाँ पहुंचना मुराद है, तो यहाँ जो विरदा से मुराद है किस हाल में पहुंचना, कि पानी तक ना पहुंच सकना, यानी ये इस जुबान होता है कि प्यासा, और यहाँ पर ये इसको हम क्या कहेंगे, ये जो है वारिद की जमा बताई जा रही है विरदा, सो क्लियर हो गया, तो ये वहां पहुंचने वाला जो पानी पर पहुंचने वाला प्यासा होता है, तो अब चूंकि वो पानी यानी पहुंचने से पहले वाली उसकी हालत प्यासे की होती है, तो फिर वारिद का तर्जमा ये भी किया जा सकता है कि वो प्यासा है जब तक वो पानी, तो पहुंचने तक प्यासा था, तो विरदा है कि प्यासी हालत में अभी उसको पानी पहुंचा नहीं, तो सर ये इस कौन से बाप से है, मेरा बंद हो गया था नेट बीच में। वरादा यरीदु दारावा के पैटर्न से है, वुरूदन और वारिद हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर विरदा से मुराद फिर है प्यासा, यानी कि विदाउट हैविंग, यानी उसको पानी की तशनगी है और उसको वो मिलेगा नहीं। नेक्स्ट कौन सा लफ्ज है जो हमारे लिए नया हो सकता है, शफात भी हो चुका कई दफा, सिस्टर सीमा का कोई क्वेश्चन है? जी सर, ये मुझे समझ में नहीं आया, वरेदा तो ये पहुंचने वाले की जमा होगी ना, तो इसमें प्यास का मफहूम कहां से आ गया? मफहूम इस तरह आया कि जो शख्स पानी तक पहुंचता है, वो पानी से पहुंचने से पहले तक उसकी क्या हालत होती है, प्यासा, वी आर अज्यूमिंग, और ये इसका ओरिजिनल मीनिंग है। अब तो जनरली ये मीनिंग इस्तेमाल होता है किसी चीज के लिए पहुंचने के लिए भी जी, लेकिन ओरिजिनल मीनिंग इसका जो था ना वो तो था पानी तक पहुंचना या आना, तो पानी तक क्यों कोई पहुंचेगा, वो प्यासा होगा तो पानी के पास जाएगा, तो विरदा का माना, सो इट्स यूज्ड, दिस वर्ड इज यूज्ड एज बीइंग प्यासा, यानी इसमें जात के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जी डॉक्टर फौजिया। जी सर, ये प्यासे से ही रिलेटेड है कि वो दिन इतना लंबा होगा और कोई साया मुयस्सर नहीं होगा उस दिन, क़यामत का मतलब सजा और जजा वाले दिन, तो सब लोग बहुत प्यासे होंगे, और ये आबे कौसर का भी जिक्र फिर उसी ही तरह हदीस से हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब है पिलाएंगे पानी जिस कदर हो सकेगा, तो ये उसी से शायद उसकी तरफ इशारा हो कि जब फैसले हो जाएंगे तो उसी हालत में उनको ले जाया जाएगा। जी जी बिल्कुल, नसूक उनको हांका जा रहा है, तो जाहिर बात है वो उस खौफ से ही उनको जाहिर प्यास लगी हुई होगी। जी ज़िया भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जी, अगर हम इसको सर्फ के हवाले से देखें तो फिर तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल लगता है, अगर नफ के हवाले से देखें तो फिर बिल्कुल आसान, वही जिस तरह आपने फरमाया कि प्यासा ये उसका हाल होता है, मुजरिमों का किस हाल में होंगे, प्यासी हालत में होंगे, तो उस हवाले से इसका मतलब क्लियर हो जाता है।
अच्छा, आपने बहुत खूबसूरत बात की जया भाई ने, और मैं इस बात पर बड़ी एम्फेसाइज करता हूँ कि हमेशा जो है ना तर्जमे पे जाया करें। अरब कैसे समझते हैं? अरब समझते हैं एज अ लैंग्वेज। ये जो एकेडमिकली जब हम देखते हैं अल्फाज को, ये हमारी जरूरत है क्योंकि हम जानते नहीं अदरवाइज। सही का जब आप जुमला पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि वो इस हाल में पहुंचा है कि वो विरदा है, और फिर सिंस दैट वर्ड इज यूज्ड इन द वोकैबुलरी दे डोंट हैव टू गो बैक टू द ग्रामर टेबल। एनीवे हमें एक दफा हमें करना पड़ेगा बिकॉज हम अरब स्पीकिंग नहीं है, लेकिन आइंदा से हमें याद हो गया इसका मीनिंग भी और इसके पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी। लेट्स मूव ऑन। और कौन सा नया वर्ड? तकादू, कादा, यकादू। काफिया दाल से एक होता है कादा यकीदू भी, तदबीर। और कादा यकादू जो है, हमने अगर फिजाद साहब नहीं पढ़ा तो ये भी ऐड कर दें इनको बताने में कि अफाल अल मुकारबा क्या होते हैं, ऐसे अफाल जिनमें करीब है कि वो काम होता लेकिन वो होता नहीं है, यानी वेरी आ चुका है सूरह बकरा में पढ़ कर रहे हैं यकादुल बर्क तकादुल बर्क यख्तफु अबसारहुम, राइट, तकादुल बर्क यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि उचक लिए जाएगी जो जो बिजली है उनकी रोशनाई को, उनके देखने की सलाहियत को, तो करीब है। वहां तकादू था और यहाँ पे यहाँ भी तकादू है। क्यों तकादू है? मुअन्नस है अस्समावात, तो ये भी क्लियर हो गया। थैंक यू शहजाद साहब। ये तफत्तरना, तो तफत्तरा ये तफत्तरू, और इसका माना क्या है तफत्तरा ये तफत्तरू का? कि फट पड़ना, यानी खुद से हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। तफत्तरना इंटरेस्टिंग वर्ड है, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में हम ये भी बताएं ये किस तरह इसका इराब करेंगे लेटर ऑन। लेट्स डू दैट। तनशक्कु, तो हाँ ये इंटरेस्टिंग फेल है। तनशक्कु, कौन बता सकता है इसका माजी मुजारे? कोशिश करें। डॉक्टर अक्षंदा हमारी सर्फ की एक्सपर्ट। जी सिस्टर। तो इसका फिर माना कैसे हम करेंगे? इसका तनशक्कु यानी खुद से शक हो जाना, यानी ये इतनी सख्त बात है करने वाली कि इसको सुनते ही जमीन जो है वो करीब है कि फट पड़े। तो इसे जो है ना अर्थ के लिए भी मुअन्नस आया। अच्छा ये भी देखिएगा आप में से जो इसकी इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, पहले जुमले के पहले हिस्से में तकादु समावाद या तफत्तरना है, राइट, यानी उसका इसम कादा यकादु भी इसका भी इसम और यानी खबर होती होती है। तो ये पहले आया, पहले इसम आया, लेकिन उसके बाद तनशक्कुल अर्दु में इसम बाद में आया, तो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। व तखिरुल जिबालु हद्दा, तखिरु हम कर चुके हैं। हद्दा, हद्दा का खास माना है, यानी बेसिकली द वर्ड हद्दा जो है ये इस अंदाज में गिरने को कहते हैं कि वो गिरकर उसमें से आवाज आए, यानी आवाज के साथ गिरना। और लुत्फ रहमान साहब की डिक्शनरी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उर्दू में, धड़म से गिरना। तो पहाड़ इमेजिन करें, अगर एकदम से उसके नीचे से वो उसका वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल जाए तो वो धर्म से नीचे आ गिरे आवाज के साथ। तो सख्ती बयान की जा रही है कि देखिए तीन ही चीजें हैं आपको एक नजर आता है जो ओवर पावरिंग है, आसमान है, जमीन है, और जमीन पर पहाड़ है। तो इसकी जो सीरियसनेस को देखें, जैसे डॉक्टर फौजिया ने भी जिक्र किया, तो देन हमें इसके एक्शन में कुछ तो करना चाहिए, यानी ईसाइयों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि दे आर ऑन दे है नकीदा विच इज नॉट करेक्ट, कम अज कम कोशिश करनी चाहिए। लेट्स से और कौन सा है? यम बगी, तो ये हमने बगा यबगी से स्टार्ट किया था कि हमने कहा था बाग, ये वही है ना बाइन और या, जिसका माना था चाहत था, ख्वाहिश था। और यहाँ पर क्या होगा, इम बगा यम बगी में माना तो इसका यूं है कि नर्म और आसान होना, और
यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करते हैं कि मा यम बगी, यानी इसकी शान नहीं है, उसको जेब नहीं देती, तो यानी ऐसा हो नहीं सकता। तो ये इम बगा यम बगी का माना है, मतलब इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है। हाँ, इस काबिल नहीं है, यानी जेब नहीं देता, इट्स नॉट, यानी उनके शयान शान है ही नहीं ऐसी बात कि वो कर सके। यत्तखिज़ वलदा, और लेट्स सी और कौन सा नया लफ्ज है यहाँ पे, लकद अहसाहुम, ये भी हम कर चुके, और अद्दा भी, शुमार करना, फर्दा भी कर सके। तो वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्फ के लिहाज से हम वी आर गुड। आइए देख लेते हैं फ्रॉम नाह पॉइंट ऑफ व्यू, इसको अगर हमने देखना हो, और हमारा चूंकि क्विज भी आ रहा है, तो क्या क्या चीजें हैं जिन पर गौर फिक्र करने वाली बात है। सिंपल सेंटेंसेस, जो नई चीजें बहुत सारी हमने पढ़ी हैं, एंड थैंक यू मेंटर्स अगेन, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की। मैंने तो सिर्फ कहा था जरा देख ले हर्फ कौन से हैं, डिडंट रियलाइज कि कितना डिटेल में ये हर्फ का टॉपिक हो सकता है। तो आई थिंक वी शुड कवर दैट अगेन, इसमें बहुत से हर्फ हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्विज में शहजाद साहब सब कुछ कवर नहीं करना, मेंटर्स आर यू नो कई दफा चीजें बहुत सारी भी पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा भी, तो विल टेक इट इजी। जी सर, इंशाल्लाह। ठीक है, तो योमा ना शुरू, तो योमा जो है यहाँ पर अगर आ रहा है मंसूब, तो हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे? हम इमेजिन करेंगे, जिस सीमा सर हम इसको यहाँ ज़र्फ बनाएंगे ना? जी ज़र्फ है, तो ज़र्फ से सेंटेंस शुरू हो सकता है, ग्रीट, लेकिन हम ये मानेंगे कि इससे पहले माजूफ है, यानी उसकर तुम याद करो, यानी तो ये आसानी हो जाती है। दिस इज, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, लिखी हुई नहीं भी होती, यानी आप कहा जा रहा है कि उस दिन के मुतालिक बात करनी है, तो रिमेम्बर दैट डे, वो दिन कौन सा दिन, यौम नहशुरुल मुत्तकीन। तो आप कौन से ब्रदर या सिस्टर बताएंगी कि यौमा तो नकिरा है, और नकिरा के ऊपर तो तनवीन होनी चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ तो तनवीन नहीं है, तो इसका क्या मुहिमा है, कौन हल करेगा ये मुहिमा? सिस्टर फायजा, लगता है प्रैक्टिस करती नहीं आप अपने ग्रुप में। जी सिस्टर फायजा। सर ये ज़र्फ है ना, तो इस पे तो नहीं आएगी तनवीन, और ये गैर मुनसरिफ है ना, सो सर इस पे तनवीन। हम कहेंगे नाइस ट्राई, क्या मतलब हुआ कि सही नहीं है जवाब? मतलब यह है कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। और लेट्स से ज़िया भाई क्या कहते हैं, ज़िया रसूल, ये मफूल सी है ना, मुज़ाफ आएगा ना, तो यही अभी सिस्टर मकबूल का फायजा ने बात की थी कि ज़र्फ है, लेकिन ज़र्फ के बाद नेक्स्ट बात ये बात भी करनी थी कि ज़र्फ जो है ये एज मुज़ाफ है, तो फिर मुज़ाफ तो ये हो गया, तो मुज़ाफ का मुज़ाफ इलैही भी तो होना चाहिए, तो मुज़ाफ इलैही कहाँ पर है? सर वेरी गुड, लेकिन हाथ खड़ा करके बताइए कि जी मियां साहब और बाकियों को भी चांस दिया करें, कौन सा जुमला? नशरुल मुत्तकी, माशा, इसका मतलब ये है कि अब आप तर्जमा करें, मियां साहब तर्जमा करें जिसमें ये जाहिर हो रहा हो कि ये मुज़ाफ़िला बन भी रहा है, कैसे तर्जमा करेंगे? मुत्तकीन के जमा होने का दिन, यानी याद करें मुत्तकीन का रहमान के पास बतौर वफ़ जमा होने का दिन, यानी वो दिन याद करें जब क्या होगा, मुत्तकीन का जमा होना अपने यानी रहमान के पास एज वफ़त। तो यूं इसकी फिर और डेप्थ पता चलती है कैसे ये लफ्ज बना। तो नेक्स्ट अगर आपने नाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो फेल फाइल मफूल तो बहुत क्लियर है यहाँ पे, राइट?
तो आपसे पूछा जा सकता है मुत्तकीन अगर मंसूब है तो मंसूब की अलामत क्या है, तो आई इमेजिन दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन नाउ। क्यों तारिक भाई, अगर कहा जाए मुत्तकीन की क्या अलामत है कि वो मंसूब है? जी रिसेस्ट अनीस फातिमा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने क्या पूछा मैंने सुना नहीं। ये मुत्तकीन हमने कहा ये तो बड़ा आसान है कि ये मंसूब है, ये मफूल भी है, लेकिन इसकी अलामत क्या है मंसूब होने की? वो या है। ठीक है, गुड या। तो इतना यही आपके लिए आपसे एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस। और वफदा हमने बात की, आपका क्वेश्चन क्या था? जी सर, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जो यौम नहशरुल मुत्तकीना का ट्रांसलेशन हम ऐसे कर रहे हैं कि मुत्तकीन के इकट्ठे होने के दिन, किए जाने के दिन, तो इसमें हम जो है इसको मजहूल के तौर पे ट्रांसलेट करें नहशरु को, जबकि ये है मालूम। नहीं नहीं, मजहूल क्यों कर रहे हैं? किए जाने के दिन या मजदर के फॉर्म में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इसकी कोई खास वजह है? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर ये मुजाफ मुजाफ इलाही है तो उसको उसको कैसे आप तर्जमा कैसे रिलेट करते हैं इजाफत को उसका दिन को हम जिस दिन इकट्ठा करेंगे उस दिन। हाँ उस दिन तो आप कह सकते हैं जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे, तो इकट्ठा करने वाला दिन, इकट्ठा करने का दिन, तो याद करो इकट्ठा करने का दिन। बिल्कुल सही, मतलब इसे मस्तरी में इसका, हाँ मस्तरी मानों में इसका ट्रांसलेशन होगा ना शुरू का। That's what I'm trying to understand. Yes, देखें अब ऐसा मुजाफ है, सेंटेंस आ रहा है, उस सेंटेंस को आपने अपने मुजाफ के साथ ऐड करना है, तो आप थोड़ा बहुत और ये अडॉप्ट करेंगे। Exactly, क्योंकि अलग अलग से तो नहीं है, they're all tied to each other. जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और किसी तरह से मुजाफ इलाही जुमला भी हो सकता है। हमने ये बात की मुजाफ इलाही जुमला भी हो सकता है, और उसके उसी कंफर्मेशन हमें, और ये बनता भी है इसको अगर आप बहुत से इसका तर्जमा सोचें तो ऐसा बनता है। ठीक हो गया। नहीं लेकिन सर ये जरा मुश्किल लग रहा है, ये जो बात है ना जरा ये मुश्किल से कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम सुनेंगे मुश्किल लगेगा, जब 10 दफा सुनेंगे तो आपको थोड़ा सारा एक्सेप्टेंस आ जाएगी, क्योंकि हमने आज तक ये सुना था कि वो दो इसम होते हैं तो एक दूसरे की इजाफत होती है, तो आज हमने एक नई बात कर दी कि जी पूरा जुमला भी इजाफत बन सकता है। सर ये बात मुश्किल नहीं लग रही, ये मुश्किल लग रही है कि ये लग नहीं रहा कि ये मुदाफिल ही, ये जुमला अच्छा। लग नहीं रहा कि ये जैसे मुदाफिल ही हो सकता है। सर ऐसा नहीं हो सकता कि यौम जो है वो इसलिए, देखिए पहले दिन तो ऐसा होता ही है ना, आप पहले दिन अगर देखें क्रिकेट या हॉकी तो आप कहेंगे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन जब बार बार देखेंगे कहेंगे ऐसा ही होता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जिस तरह ट्रांसलेशन हमने अब इसको की तो ये बात बन गई कुछ ना कुछ। ठीक है सर, मेरा भी क्वेश्चन है इसी के लिहाज से, सर हम इसको यौमा नाशरू अल मुत्तकीना को हम इस तरह क्यों नहीं ट्रांसलेट कर सकते, सर उस दिन हम इकट्ठा करेंगे मुत्तकियों को, हमने इसको जिस दिन क्यों बोला? अगर हम इसको उस दिन हम इकट्ठा करेंगे मुत्तकीनों को तो फिर हम यौमा को खाली ज़र्फ ले लेंगे। आप ना कहें जिस दिन, ना कहें उस दिन, आप अरब बन के सोचें, व्हेन यू आर अरब, मतलब आपकी अपनी जब लैंग्वेज होगी, ये दिस इज द बिगेस्ट एरर हम ये करते हैं कि हम लफ्जी तर्जमे को फिट करना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज को, अरबिक को के साथ ट्रांसलेट करें वर्ड फॉर वर्ड, तो हम कहते हैं जिस दिन। अब जिस दिन तो है, फिर आप उसको इमेजिन करें, उसको वो दिन याद करो जिस दिन हम जमा करेंगे परहेजगारों को, राइट? उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस दिन फिट होता है, लेकिन अगर आप इसको ना भी ट्रांसलेट करें वर्ड फॉर वर्ड तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा यौमा नाशरुल मुत्तकीन अल रहमान, यौमा यानी वो दिन, आप चाहे वो दिन कहें, जिस दिन कहें, या मुत्तकीन को इकट्ठा करने का दिन, ये टेक्निकली मैं वही आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जेहन में ये माना आएगा कि ज़र्फ के बाद मुजाफ इलैही आता है, उनके आपस में एक कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी होती है।
ठीक है सर। तो ये हम हर दफा कह रहे हैं कि हर दफा जब भी ज़र्फ आएगा तो उसके बाद मुज़ाफ़ जरूरी है। जब भी ज़र्फ आता है उसके बाद, हाँ ज़र्फ दो तरह के होते हैं, कुछ ज़र्फ ऐसे होते हैं उनके आगे वो बाय इटसेल्फ होते हैं राइट, उनके आगे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब ज़र्फ के आगे कुछ ना कुछ आ रहा हो, कोई मुरक्कब बन रहा हो, तो हमेशा मुज़ाफ़ इलैह आता है। याद करें आप, मुज़ाफ़ के बाद अक्सर आता है। और यहाँ पर देखिए ना, हमने ये कहा कि एक इसम के अलावा एक जुमला फेलियर भी बन सकता है मुज़ाफ़ इलैह। एक नई चीज पढ़ रहे हैं ना, समथिंग न्यू। सर ये पूरा जुमला जो है फिर माले जर आ जाएगा, फिर माले जर। हाँ इसका अगर आपने एराब करना है तो आप कहेंगे जी पूरा जुमला जो है ये फी महले जर है, क्योंकि इजाफत की वजह से। बट दैट इज जस्ट एन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। मैं चाहता हूँ आप इसकी मीनिंग के ऊपर जो है ना जोर लगाएं। जी सिस्टर अर्जुमन, आप भी कुछ बात करना चाह रही इसी के बारे में? मेरा भी एक सवाल ही है अर्शद भाई, कि हम लोग अभी तक तो ये पढ़ते आए हैं ना कि मुदाफ मुदाफिल है तो एक जुमला नाकसा होता है, यानी पूरा कम्प्लीट जुमला नहीं होता। तो यहाँ तो हमें पूरा ये पूरा कम्प्लीट जुमला मिल रहा है। नहीं कम्प्लीट नहीं है ना, आप इसको देखें, आप इसको ऐसे सोचें के मुत्तकीन, यानी जो मुत्तकीन जमा हो रहे हैं, मुत्तकीन का जो परहेजगारों का जमा होने का दिन, अभी तो ये फॉर्म नहीं बना ना उसका। फॉर्म उसका बनता है कि इसके अंदर अंडरस्टूड है कि वो दिन याद करो कि जिस दिन मुत्तकीन जो जमा हुए थे। तो इसीलिए मैंने योमा से पहले कहा इसको उसको आप इमेजिन करें, इसकी जरूरत नहीं है। बट यू राइट, जब भी मुजाफ मुजाफ इलैह बनेगा बाय इटसेल्फ कंप्लीट कंप्लीट, अच्छा उसका एक हिस्सा जो है वो एक जुमला पूरा का पूरा है। नाशरुल मुत्तकीन पूरा जुमला है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, इसका पूरा मीनिंग है। लेकिन जब ये कंपाउंड बन रहा है तो ये एक पूरे जुमले का एक हिस्सा बन रहा है जी। तो लेकिन वफ्ता यानी जो हाल है ये भी इसी का हिस्सा होगा, ये इसको हम अलग कहेंगे। आप सारे को इसका सारे का इकट्ठा हिस्सा है, तीन का इकट्ठा होना रहमान के पास इस हाल में वाला दिन का दिन का दिन जी। तो उर्दू में क्या कहेंगे, बड़ा आसान है, जिस दिन हम जमा करेंगे मुत्तकीन को रहमान के पास। तो लेकिन असमान ने पॉइंट आउट किया, आप सोचना शुरू कर दें ये जिस दिन जो है ये किसका तर्जमा है, यहाँ पर कौन सा लफ्ज है अरबी का जिसका तर्जमा जिस है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ वैसे यहाँ यौमा से लगता है कि ये इससे पहले कोई बात हो रही है ना कि यौमा बात हो रही है, लेकिन उर्दू में हम ये ऐड कर देते हैं तो हमें आसानी हो जाती है। लेकिन इतना उर्दू में अरबी में है का तस्वर नहीं है, लेकिन हम है ऐड कर देते हैं, हमने पढ़ा था नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ अरबी में ऐड उर्दू में ऐड करके वो समझना पड़ता है जी। शुक्रिया। ज़िया भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैंने एक बुक में पढ़ा है कि अगर हम इसको जिस तरह आपने फरमाया है कि ये मुजाफ मुजाफ है, तो जिस बुक में मैंने पढ़ा है उसमें ये इसको जुमला फेलिया कहा गया है और योमा को मफूल फी बताया गया है, तो ऐसे भी हो सकता है सर। देखिए आपने जो आप बात कर रहे हैं एकेडमिकली ये सब बातें दुरुस्त है, बट प्लीज एक स्टेप ऊपर सोचे, योमा जो है बाय इटसेल्फ योमा जो है वो ज़र्फ है, ठीक है, आप इसको मफूल फी ही बना दें, आप कहिए मुकदम पहले आ गया राइट right? तो यू कैन, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इट कैन बी डन इन सेवरल वेज, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग की तरफ हम आ रहे हैं ना उसको किस हिसाब से आप मीनिंग, आप इसका मीनिंग जब बनाते हैं आप यू कैन डू इट, आप कह सकते हैं, मेरा ख्याल है आपने यानी उसमें ये भी लिखा होगा कि योमा को वो पहले ले आए हैं मुकदम कर दिया, ठीक है ऐसे भी कर सकते। लेकिन जो अरब हैं जो लैंग्वेज को समझते हैं ना, वो मुजाफ इलैह बनाते हैं और ना वो मफूल भी बनाते हैं, दे अंडरस्टैंड द मीनिंग डायरेक्ट। तो मैं तो आसानी के लिए कह रहा था कि अगर आप इसको एज अ मुजाफ मुजाफ इलैह देखेंगे तो माना और इम्पैक्ट करके आएगा, यू डोंट हैव टू। लेकिन ये किन्होंने किया, ये अरब जो ग्रामरियंस हैं जो वो ये चीजें लेकर आते हैं आसानी पैदा करने के लिए। हम यानी जितने अरब को हम उससे भी ज्यादा वी वॉन्ट टू गो वन स्टेप फर्दर, उससे ये आती है, देखें अगर ये इसका नाम ज़र्फ है मफूल फी ही है ये मुजाफ मुजाफ इलैह है, ये सारी डिस्कशन साइट पर है, जब आपको समझ आ गया दैट्स इट, व्हाट डज इट मीन,
یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا, یہ امپیکٹ کرتا ہے یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا, یعنی اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہانکیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف اس حال میں کہ وہ پیاسے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے پیاس سے. تو ہم بات کر رہے تھے نحف کی. سسٹر نغمہ, السلام علیکم. چھوٹا سا پوائنٹ ہے یہاں پہ, پھر وا و نسوق المجرمین, یہ پھر عطف ہو جائے گا اسی طرح یوما کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. بالکل عطف, بالکل عطف. دیکھیں اب آپ میننگ پہ گئی ہیں تو یو گاٹ اٹ, جیسے جیسے وہ دن وہ یاد کرو کہ متقین اس دن جمع کیے جائیں گے ایز مہمان نواز, اور جو مجرمین ہیں وہ جمع کیے جائیں گے کیسے, وہ ہانکے جائیں گے, یعنی مہمانوں کو تو ویلکم کیا جائے گا, ان کو ہانکا جائے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے ٹورڈز جہنم. اس کا وہ اپنی مرضی سے نہیں جانا چاہیں گے, بٹ دیل بی فورسڈ کہ جہنم کی طرف جاؤ, یعنی وہ دن, اس دن کی بات یوم القیامہ کی بات ہو رہی ہے. تو لیٹس موو آن کہ لا یملکونا. جی سر, یہ جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہم یہاں پہ اسکرو فیل کو محذوف مانیں گے, مان سکتے ہیں ایز این آپشن ٹو انڈرسٹینڈ کچھ چیزیں جو ہیں. سر جی سر, اسی سے مطلب واضح ہوگا پھر ہی, جب یہ مطلب واضح ہو رہا ہے میں جب دیکھ رہی تھی اس کو کہ اسکرو فیل ہوگا اور یہ جو فائل اس میں ظاہر ہے وہ انتم آ جائے گا اسکرو کا, اور یہ جو بنے گا نا ظرف اور مضاف الیہ دونوں جو جملے جو ہیں عطف کے بعد بنتے ہیں مضاف الیہ بنیں گے, اور یہ پھر مفعول بھی ہی بن جائے گا اسکرو فیل کا, پورا جملہ دب بن جائے گا. جی جی بن جائے گا, اس لیے میں اس پہ جا نہیں رہا, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نے میننگس پہ ہم جا کر وہاں پہ اپنے آپ کو میرا خیال ہے کمپلیٹ کر لیں. وی ہیو انڈرسٹوڈ دی میننگ ویری کلیئرلی, جیسے عرب سمجھتے ہیں اس سینٹینس کو, یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. آئیے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں, لا یملکون الشفاعۃ. تو کیا کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کوئز میں, اس سینٹینس میں بتائیں جی لا کون سا ہے, لا ناہیہ ہے لا نافیہ ہے. اچھا یہ پوچھا جا سکتا ہے یملکونا میں فائل کہاں پر ہے, یہ سب آپ کے لیے میرا خیال آسان ہے کہ نئی اختیار رکھیں گے وہ, کون مراد ہے اس سے, یہ بھی ہو سکتا ہے ہم میں کون لوگ ہیں, وہ مجرمین ان کی بات ہو رہی ہے رائٹ, وہ اختیار نہیں رکھیں گے. شفاعت مفعول بھی ہے, اور میں یہ چھوڑ دوں گا جو عربک اسٹوڈنٹس ہیں نا یہ بعد میں بتائیں کہ اللہ والا سینٹینس ہے تو یہاں پر ابھی نہیں ڈسکس کرنا, صرف یہ آپ کے ہے کہ بونس پوائنٹس کے لیے کہ جو عربک پڑھ رہے ہیں کہ اس میں کہاں ہے مستثنا اور کہاں ہے یا نہیں ہے مستثنا منہو, یا ڈفرینٹ ٹائپس آف ہیں, اور اعراب کیا ہے مستثنا کا, اونلی فار دوز جو مدینہ بک 3 پڑھ رہے ہیں, باقیوں کے لیے اس کے میں کیا دیکھنا ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف. ہاں من اتخذ عند الرحمن عہدا, تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں, کون کرنا چاہے گا اس کو, اس کو اگر آپ ایز اے سینٹینس لیں رائٹ کرنا چاہیں گے. جی بدر سرین طارق سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سر لا یملکونا وہ اختیار نہیں رکھیں گے شفاعت کا, الا جب یہ بات اس کا مطلب ہے کہ یہ نیگیٹو ہو گیا, مائنس ہو ایکسیپشن. ٹھیک ہے, من موصولہ, من اتخذ عند الرحمن, یہ پورا اس کا صلہ ہو گیا عند الرحمن, ٹھیک ہو گیا. مرکب اضافی عہدہ مفعول بہ منصوب ہے اتخذ, چلے یہ بھی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. نیکسٹ آ جائیں, اور کون سا یہاں پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, شیئن ادا ٹھیک ہو گیا, لقد جے تم تقادس. تو کوئی اگر کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں کسی کا, جی سسٹر فائزہ. سر یہ میرا کوشچن ہے کہ
जैसे आयत नंबर 86 में आया ना जहन्नमा, तो ये जैसे गैर मुनसरिफ है, इस पे जबर जेर और पेश तनवीन नहीं आती। तो सर अर-रहमान जैसे ये भी मुबालगा के सीगे जो हमने पढ़े थे वो भी गैर मुनसरिफ में पढ़े ना हमने, कि उसमें अच्छा। भी आता है मुबालगा, तो सर इसके नीचे फिर क्यों जेर आ गई? आप खुद सोच के बताइए, जरा थोड़ा सा सोचे क्या इसके साथ अल लगा हुआ है? लाम तारीफ की वजह से। हाँ, वो जब लग जाता है तो फिर वो मुनसरिफ बन जाता है। ठीक है, ठीक। और भी एक तरीका है जैसे मुनसरिफ बन जाता है जी सर, वो कौन? अगर मुजाफ बन जाए, मुजाफ मुजाफ जी, मुझे तो जी ठीक है, ठीक हो, ठीक हो, जज़ाकअल्लाह जी। पहले आपने क्या बताया था, पहले किस लिए ये मुनसरिफ बना? अलिफ लाम लग गया साथ, अलग अलग। अच्छा, अलिफ लाम, जी जी, ओके जी। सर एक करेक्शन यहाँ करना चाहूंगा, ये होता है सारे मुनसरिफ उनमें होता है या सिर्फ मुबालगे की सीगों में होता है? शहजाद साहब कुछ बताना चाह रहे हैं, शहजाद साहब की बात सुने। एक करेक्शन यहाँ पे ये जरूरी है कि गैर मुनसरिफ पर अल या मुदाब बनने की सूरत में जो कसरा आता है तो रहता वो गैर मुनसरिफ ही है, सिर्फ उस पर कसरा आ जाता है। इसको मतलब उस पे वो टर्म यूज करने में ख्याल रखिए कि वो गैर मुनसरिफ रहे, उसका उसका नाम वही है लेकिन वो अब वो इस काबिल हो जाता है कि वो कसरा ले ले। उसका नाम नहीं बदलते यार, अब टेक्निकल सी बात है, नाम उसका नहीं बदलता है कि भाई ताकि उसी कैटेगरी में रहे लेकिन कसरा ले लेता है। ठीक है, थैंक यू शहजाद। और लेट्स सी और कौन सा करना है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी सर, ये जो आप थोड़ा समझा रहे थे तकादु समावातु का, सर इसका क्या ये क्या कंस्ट्रक्शन है ये समावातु? अच्छा, अच्छा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके जरा शरा और उसके पहलू पर जो 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 पॉइंट्स ऑफ पॉन्डरिंग है, कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का ये पॉइंट है तकादु समावातु या तफत्तरना मिन्हु। तकादु जो है कादा या कादु जो है फेल जो फाल मुकारबा में से है, इसका एक इसम होता है और एक खबर होती है, राइट। और इसका इसम क्या है? समावातु और मरफू है, और इसकी खबर क्या है? यतफत्तरना, और ये जुमला है पूरे का पूरा, और ये जुमला जो है ये खबर है महलन। अच्छा, अब अगला जो सात जुमला है वो भी तकादु, ये जो है, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तनशक्कुल अर्ज जो है मातूफ़ुन है, लेकिन इंटरेस्टिंग मातूफ है। पहले वाले केस में इसम पहले था और खबर बाद में थी, तनशकुल अर्द में देखें आप, आपको लग रहा है कि इसके अंदर जो इसम है वो बाद में और खबर पहले है। जी सलमान भाई, इसमें तनशकु तो वही हो गया अल अर्दु। नहीं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तकादु तनशकुल अर्दु, तकादु तो इससे क्या पता चलता है? अगर ऐसा हो जाए, अगर रिवर्स हो जाए तो क्या उसमें कोई ये हसर, हसर, हसर का कोई फीलिंग देती है? हाँ, ताकीदन कि भाई के शक हो जाएगी जमीन, और एक है जमीन शक हो जाएगी, दोनों में फर्क है ना, मतलब एज अ एम्फेसिस ज्यादा हो जाए। जी जी बिल्कुल जी जी। सिस्टर फरिया कुछ एक्स्ट्रा बता दें हमें। नहीं सर, ये क्या जरूरी है कि हम इसके साथ तकादु को भी अटैच करें? अगर हम तनशक्कु के साथ अल अर्द को फाइल ही ले लें सिंपली तो ये ज्यादा बेहतर नहीं? ले सकते हैं, और तखीरु का फाइल जो है वो देखें कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको क्यों अतफ कर रहा हूँ कि वो भी तो करीब है कि ऐसा हो जाए, यानी इतनी सीरियस बात है तो ये असल में ये फेल इनफियाल से इस्तेमाल हो गया ना तनशक्कु, तो इसलिए इसको फाइल वैसे कहा जाता है कि ये मतलब इसमें फाइल ज्यादा अप्रोप्रिएट लगते हैं, मतलब मैंने ये पढ़ा इसके लग सक। ये सारी देखे हम इसके तर्जमे की कितनी डेप्थ पे जा रहे हैं, आई थिंक उसको हम देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अग्रीड। डॉक्टर फौजिया, आप इसी के बारे में बात करनी है? जी सर, ये आपने कहा कि
इसको अतफ कर रहे हैं अगर कादो के वो पिछले उस पे, तो कादो तो सर काना की तरह काम करता है, तो तन शको तो ये तो जमा आ रहा है, तो ये फिर खबर कैसे बनेगी कादा की, ये सर अब पूछना था। ये खबर बनेगी एज अ जुमला, पूरा जुमला फेलिया जो है एज अ खबर आ सकती है ना। पहले वाले में भी तो आपने खबर बनाया ना, ये तो फतरना को खबर बनाया ना, कैसे सर उसको तो अलग अलग आपने कर दिया ना कि कादा का इसम और खबर करके, तो वो तो अरबी हालत उनकी ठीक है, तो इसके भी मैंने वही कर दिया ना, इसको इसको सर मैंने ये कहा है कि खबर पहले कर दी है इसम बाद में कर दी है। देखिये तन शक्कू जो है एक एक जुमला फेलिया है ना जी सर, तो जुमला फेलिया पूरे का पूरा है, ये बन सकता है ना, ठीक ये बन सकता है, हाँ जी सही है सही, सिर्फ उसको हमने मुकदम कर दिया। तो सर ये फिर अगला भी अतफ हो रहा है तखिरुल जिबालो, यस ये फाइल राइट, ये इसमें इसमें यहाँ ये बताए तखिरुल जिबालो हुद्दा को आप हद्दा आप कर दीजिए इसको एनालाइज, इसमें क्या है फेल फाइल और उसके बाद क्या है सर, हद्दा जो है तो हद्दा सर ये वो है ना मफूल मुतलक बनेगा ना इसका, नहीं आप इसको दोबारा बना सकती है वैसे हद्दा या हुद्दो मतलब है बाब नसरा से है ना, तो ये हद्दा इसका इसमें मफूल सा शायद बनेगा, नहीं तखेरू जो है ना खाना या खेरू लाजिम है फेल जी सर, ये तो हो गया ना फेल हो गया, अल जिबालो अगर फाइल कर लें और हाँ हद्दा इसका इसमें मफूल के तौर पे नहीं मफूल इसको नहीं बनाया ना, क्योंकि हम कह रहे हैं खर्रा जो है फेल लाजम है, उसको मफूल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है सर, ये हमारी तालीमुल कुरान में लिखा हुआ है हद्दा बमाने इसमें मफूल, इसलिए मैंने कहा नहीं बमाने इसमें मफूल और चीज है, सॉरी मैं समझा मफूल भी कह रही है आप, नहीं सर मफूल मुतलक बन रहा है वैसे तो, मफूल मुतलक नहीं बन रहा ना, कैसे बन रहा है मफूल मुतलक, बस सर ये भी हमारे वो कुरान की उसमें ही लिखा हुआ है ना, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रही जी, सॉरी नहीं किस बुक में लिखा हुआ है सर, ये वो जो हमारे पास है ना कुरान का वो तालीमुल कुरान, नहीं नहीं तालीमुल कुरान तो बुक है ना, ये जो हमें दिया हुआ सर शहजाद ने कुरान का वो अरबी ग्रामर जो है उसे हम देखते हैं, उसे शहजाद साहब दिया हुआ आपने सर, ये तंतावी साहब की बात कर रहे हैं जी, सिस्टर फरिया आप सर, इसमें इस तरह है कि जो तखीरू फेल है ना इसका मतलब है कि कुछ आवाज से गिरना, और हद्दा होता है बहुत ज्यादा आवाज से गिरना धड़ाम से गिरना, तो ये मफूल मुतलक है, लेकिन इसको हम कहेंगे वो जो नायब अनिल मस्तर वाली कैटेगरी थी ना जिसमें मुरादिफ होता है मुरादिफ फिल मानी वाला, ये वो कैटेगरी है, तो उस लिहाज से मफूल मुतलक है, एक्चुअली मफूल मुतलक का जो है ना वीक ये है एक इंटरप्रिटेशन, लेकिन वीक इसलिए है कि तखीरू खुद से जो है फेल लाजिम है, लेकिन मुतलक आ सकता है लाजिम का ना मुतलक आ सकता है, वो नहीं आ सकता भी ही नहीं आ सकता ना, हाँ लेकिन ये कि हाल बेटर लगता है कि वो किस हाल में गिरे, अब ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि ये पर भी किसी आलिम का ही ओपिनियन है कि नायब अनिल मस्तर ने मुरादिफ ओपिनियन, वो हम ओपिनियन के ये भी ओपिनियन है, लेकिन ये आसानी के लिए मेरा ख्याल हम इस स्टेज उसी सेवन स्टेज पे रखे कि जो भी जिस आलिम ने कह दिया हमने मान लिया, ठीक है ना, बिकॉज हम तो आलिम नहीं है, तो वी विल जस्ट मफूल मतलब भी बन गया नायब बन गया मस्तर भी बन गया और हाल भी सर मेरे पास इसको नात लिखा हुआ है, नात लिखा हुआ है इदन को है? नहीं हम बात कर रहे हैं इदन कह रही हूं ना इदन ऊपर वाली आयत में 89 में ना ये 90 की बात हो रही है, ये 90 की बात हो रही है अद्दा, ये हाल मेरे पास ये हाल बेहतर है हद्दा को हाल लिखा हुआ है। अच्छा मेरी जरा थोड़ी सी बात सुन ले, एक्चुअली चूंकि हम बहुत सारी किताबें कंसल्ट करते हैं ना, तो हम बजाय खुद सोचने के हम वो जो किताब में लिखा हुआ है रट्टा लगाने वाली चीज ये नहीं है, और ना ही हमने कहीं प्रूफ करना है किसी को कि मैंने इसको जो है उस किताब में देखा है तो ये हाल है, आप कोशिश करें अंडरस्टैंड करें जो आपको तर्जमा जो मीनिंग समझ आ रहा है उससे क्या आता है, एंड दैट्स इट, अगर आपको मफूल मुतलक वाला माना ज्यादा समझ में आ रहा है फाइन, अगर हाल का आ रहा है फाइन, बट लेट्स नॉट तो मफूल मुतलक आता है आपके आपके ज़हन में आता है तो ठीक है नो इश्यूज,
कि आप उसको कैसे अंडरस्टैंड कर रही हैं, लेकिन अगर उलमा ने दो तरीके से तीन तरीके से बनाया, हमारा ये इस कोर्स का मकसद ये नहीं है कि हम उस एकेडमिक डिस्कशन में जाएं कि ये क्या क्या बन सकता है। इनफैक्ट हम तो ग्रामर को सिर्फ एज अ टूल यूज करना चाह रहे हैं और तदब्बर कंटेम्पलेशन और तर्जमे पे ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। सिस्टर नौरीन जी, सर मैं ये पूछ रही थी, सर हाल बनता है इसमें फाइल और मफूल का, तो सर और तमीज बनती है जब इबहाम दूर हो रहा होता है, तो सर ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ये तमीज भी हो सकती है क्योंकि सेंटेंस तो कंप्लीट हो रहा है ना कि पहाड़ गिर पड़ेंगे, वो किस तरह गिरेंगे, ये इबहाम नहीं दूर कर रहा पारा पारा होकर, इबहाम है ही नहीं, तखिरुल जबालु जो है कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई इबहाम नहीं है, गिर पड़ेंगे पहाड़। अब ये एक फर्दर जी सर, वो मुझे समझ आ रहा है कि ये उसका हाल बता रहा है कि किस हाल में वो गिरेंगे ना पारा पारा होकर। सर वो आपने बताया था ना इसमें फाइल और मफूल का भी होता है, उस वो बताता है उसका हाल, तो ये इस सिचुएशन में भी हाल बता सकता है जब सेंटेंस इस तरह कंप्लीट हो। बिल्कुल बता सकता है, आमतौर पर ऐसे ही होता है जब कंप्लीट होता है तो इबहाम ना हो तो फिर वो हाल बताता है। जी जी हाल बताता है, और इसमें नोट करें बेमाना इसम मफूल नीचे लिखा हुआ उसका क्या मतलब है, यानी वो चीज जो आवाज से, वो चीज जो आवाज से गिरी। जी जी सर उसी को देखकर मैंने इसे हाल ही समझा था। ठीक है वही है। सिस्टर नसरीन सर एक बात कहनी है कि ये अगर हम ये कैसे करते गिर पड़ेंगे पहाड़ इस हाल में कि उनकी आवाज होगी या, तो ये ज्यादा बेहतर लगता है ना सर, जब हम बहुत ज्यादा ग्रामर की उन चीजों में करते हैं ना तो वो तदब्बर और मानवी जो सारी बातें होती है ना वो पस मंजर में चली जाती है, और ग्रामर जो है ना वो बस उस पर हम बहुत ज्यादा करते हैं। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, अगर आप इराक की किताबों में देखेंगे ना तो एक 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 सेंटेंस की उन्होंने 10 तरीके से जो है ना किए हुए हैं उसकी उसकी रेजोल्यूशन, तो लेट्स नॉट गेट टू दैट, आपको माना समझ में आ गया बस काफी है जी। आगे चले, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए सिस्टर नुसरत, वी वांट टू मूव फर्दर। सर जब हम हमने आपसे जब सीखा है कि मफूल मुतलक आता है तो वो पहले वो वर्ड पहले भी यूज हुआ होता है, तो तखिरु के बाद तो फिर यहाँ पे खर्रन हदन आ सकता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि खर्रन महजूफ है और हदन मौजूद है। देखिए जो कुछ आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आई डोंट वांट टू गो दैट पाथ, आप यानी ऑल दिस पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो कम से कम कॉम्प्लिकेशन आपको समझ आ गई बात की, बाहर जो है वो गिर पड़ेंगे, यानी आप उसको मीनिंग को समझ में आपको बात आ रही है ना कि करीब है क्या समझ बात उन्होंने की है। तकादु समावातु यतफत्तरना मिन्हु, ये जो हु है ये किसकी तरफ जा रहा है, किस चीज की बात हो रही है। इस अनीस फातिमा आगे तो कैम किया है कि उन बाउले बना बेटा बना लिया, उसके पहले ये तकाजा रखने वाला था दोनों बेटा जो बना दिया था उन्होंने उसकी तरफ कर दी थी इस बात से बात। हाँ बात को कर बिल्कुल ठीक। आइए लेट्स मूव टू द इस पिछले पेज पे क्वेश्चन तो कोई नहीं, और जिस नुसरत का जिस नसरीन का नहीं सर, मैंने यही बताना था कि ये जो हद्दा है सर ये तो क्लियर है कि ये हाल है कि पहाड़ जो है ना वो किस हाल में गिरेंगे पारा पारा होके, ये तो क्लियर हाल है सर। अल्हम्दुलिल्लाह वी एग्री ऑन दिस, एंड इफ देखिए एकेडमिकली बहुत कुछ किया जा सकता है तदब्बर वगैरह, लेकिन ये है कि हम वी आर हैप्पी विद दिस, कोई इशू नहीं है। फिजा साहब नंबर दे दें सिस्टर नसरीन को फुल मार्क्स। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा सर जी। आइए चलते हैं आखिरी चंद आयत पर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ آیات بہت ہی اہم ہے, اس کے اوپر تدبر کی بھی بات کرنی ہے. آئی ہوپ وی ہیو دا ٹائم. ہاں وی ہیو پلینٹی آف ٹائم الحمد للہ. ان الذین آمنوا, اچھا اب یہ کلوزنگ ہے سورہ مریم کی, تو کلوزنگ میں ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, سیجعل لہم الرحمن ودا, عنقریب بنا دے گا, پیدا کر دے گا ان کے لیے الرحمن ودا. ودا کا معنی جو دیا ہوا ہے یہاں پر وہ ہے محبت, لیکن اس کو ہم ذرا تفصیل سے ڈسکس کریں گے کس طرح کی محبت کی بات ہو رہی ہے. اور اس آیت پر ہم ول اسپینڈ سم ٹائم کہ ڈز اٹ اپلائی ٹو ڈے ایز ویل, اینڈ وٹ ڈز دیٹ ڈو, ہوتا کیا, اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے, اور اس زمانے میں اس وقت کیا ہوا تھا. سو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین. تو بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بلکہ کیا ہے, یسر نہ ہو, ہم نے آسان کر دیا ہے اس کو. وہ پہ ڈسکشن کریں گے یہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے. یہ ہے اس پیغام کی, اس میسج کی, یعنی القرآن ہم نے اس کو آسان کر دیا, اور آسان کیسے کیا, بی لسانی کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی تیری زبان میں عربی میں اس کو کر دیا ہے, تو یعنی اس کو آسان کر دیا ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو لک ایٹ دس کہ کیسے آسان اس کو کیا ہے, عربی نے کیسے آسان کیا ہے. اچھا لتبشر بھی, کہ تاکہ تو خوشخبری دے اس کے ذریعے, بھی اس قرآن کے ذریعے, کس کو, المتقین, یعنی المتقین کو خوشخبری ملے گی اس قرآن کے ذریعے جو کہ آسان کر دیا گیا ہے عربی زبان میں. وتنذرا, اور تو کیا کر اس سے, یعنی ولی تنذرا, اور اس لیے تاکہ تو ڈرا, خبردار کر اس کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, قومن لدا, ایسی قوم کو جس کو کہا گیا سخت جھگڑالو. وکم اہلکنا قبلہم من قرن, اور کتنے ہی ہیں امتیں یا کتنے ہی ہیں ایسی قومیں جن کو ہلاک کر دیا ہم نے ان سے پہلے. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا, تو کیا تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کیا ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. لفظ میں تحس سے یہاں کیا مراد ہے؟ تحس منهم من احد, کسی ایک کو بھی تم نے محسوس کیا ہے, اس کی آواز کو فیل کیا ہے؟ او تسمع لهم ركزا, یا پھر تم سنتے ہو ان کی کوئی بھنک, آہٹ. تو رکزا سے کیا مراد ہے, تو حصوں سے کیا مراد ہے, اور ودا, یہ تین ہمارے مین الفاظ ہیں اس صفحے پہ. لیٹس گو بیک اینڈ لک ایٹ دیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سو فار سو گڈ, سیجعلوا, سین کس کے لیے, عنقریب, اور عنقریب سے یہاں کیا مراد ہے, ودا. تو لفظ ودا جو ہے بیسکلی ودا یا ودو, ودا, تو ودا یا ودو جب ہے تو سمیا کا پیٹرن, اور معنی اس کا محبت کرنا, چاہنا, خواہش کرنا, یعنی اس میں تمنا کا معنی پایا جاتا ہے. اور ہم کوشش کریں گے اس کو ریلیٹ کریں حب سے, کیونکہ حب بھی تو پسندیدگی کا یا محبت کا اظہار ہوتا ہے, اور وہ ثلاثی مجرد سے بھی آتا ہے, احبا یحبو سے بھی آتا ہے, وہ بھی ایک محبت ہے, اور یہ بھی ایک ودا, کیسی محبت ہے. اسی انہی روٹ لیٹر سے ودود بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک ناموں میں سے نام ہے, انتہائی محبت کرنے والا, انتہائی خیر خواہ. اور ودا جو ہے اگرچہ مصدر بھی ہے لیکن ایز اے اسم ذات استعمال ہو رہا ہے یہاں پر, کہ ودا ایک چیز ہے جو ایک محبت کی کیٹیگری ہے, وہ ان کے لیے
बन जाएगी किन लोगों के लिए जिन्होंने जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, यहाँ मुराद सहाबा का है। तो इस पर वोकैबुलरी हो गई, शरा की फर्दर बात करेंगे। व्हाई इज दिस वर्ड यूज्ड वर्सेस तुहिब्बु, और इसमें जो तमन्ना या ख्वाहिश का माना है उससे क्या मुराद। यसरना हु आसान, यसरा यो यसरु, यसरना हु फेल फाइल मफूल, बिलिसानी का या लिसानी का जबान से मुराद है लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज। ली तो बशरा यानी ली अन तो बशरा, यानी यहाँ पे छुपा हुआ बीच में, तो बशरा बशरा यु बशरु खुशखबरी। और हमने, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि उसी सिक्स में इसको डिस्कस किया था डिटेल से या इसी क्लास में कि बशरा कैसे बना, और मुबाशरा भी इसी से बना और तबशीर भी बना। एनीवे तो बशरु हम कर चुके हैं भी, अलमुत्तकीन व तुन ज़िरा अनज़रा युन ज़िरु, और यहाँ पर भी इसका मंसूब होने की वजह ये अतफ कर रहा है पीछे, ये ली के साथ अटैच है, ली तो बशरा व ली तुन ज़िरा। लुद्दा ये नया लफ्ज़ है, और लुद्दा जो है बताई गई है जमा है अलद्दू की, जो कि पहली इसम तफसील है, बहुत ज़्यादा झगड़ालू। और लद्दा या लुद्दू लद्दन, किसी की कोई बात ना मानना, हट धर्म हो जाना, झगड़ा करना, यानी ये वो शख्स है जिसको समझा दिया जाए, उसको समझ आ जाए लेकिन वो समझना ना चाहे, उसकी बात हो रही है, सख्त झगड़ालू। अब आ जाते हैं लास्ट टू वर्ड्स, और तो हिस्सु और रिक्जा। इस आयत को, या पहले हम यहाँ इस आयत को समझने के लिए बताया जा रहा है, अब ये किन से मुखातिब है, सहाबा से बात हो रही है, और ये जिस जमाने में ये सूरह नाजिल हुई थी उसका बैकग्राउंड क्या है कि इतना सख्ती उन पे हो रही थी, जो कुफार जो है झगड़ालू इतने सख्ती कर रहे थे कि उनमें से अक्सर को करनी पड़ी हिजरत हबशा, यानी ज्यादा लोग हबशा में मुसलमान थे और कम लोग पीछे रह गए थे मक्का में। तो ऐसे में उनको खुशखबरी भी दी जा रही है, उनको ये भी कहा जा रहा है कि तुम ईमान लाओ और नेक अमाल करो, और ये मक्की आयात हैं, यानी मक्की की बात हो रही है, और उस पर जोर इस बात पर हो रहा है कि ये जो जबान है, लैंग्वेज है, इसके अंदर इतना इम्पैक्ट है कि इसके जरिए, इसी के जरिए तबशीर करो, इसी के जरिए उन मुंजरीन बनो। तो अच्छा, अब बातें हैं बात कि क्या इससे पहले भी लोग थे कि उन्होंने भी मुखालफत की, कि वो भी झगड़ालू थे, तो उनको हमने हलाक कर दिया। कितनी ऐसी कौमें गुजर चुकी हैं तुमसे पहले, वो हलाक हो गए, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम भी हलाक हो सकते हो। हल तो हिस्सू, तो अहस्सा अहस्सा युहिस्सु एहसास, जिसका बेसिक माना होता है वो जो उर्दू में भी हम माना करते हैं कि किसी बात का एहसास होना, आहट होनी। ये दोनों जो अल्फाज हैं ना, तो हिस्सु और रिक्जा, इन दोनों में ये माना है कि जो आवाज आपको आती है उसकी जो डिग्रीज होती हैं कम से कम, यानी आप यू समझें कि अगर दरख्त पे जो पत्ते हैं वो हवा से अगर वो हिल रहे हैं तो उनकी एक हिस आती है, एक आवाज सी आती है, तो यानी इतनी खामोशी है कि आवाज भी वो हिसाट भी नहीं आएगी। तो क्या ऐसा है, यानी उनको हमने इस तरह से हलाक किया कि उनका कुछ रहा ही नहीं है, तो उसको ये कहा है कि या तो तुम औ तस्मऊ लहुम रिक्सा, रिक्सा से क्या मुराद है तो ये रकजा यरकिजू, रकजन जिसका माना होता है हरकत में आना, हरकत करना, लेकिन इसका जो माना है जो इस्तेमाल होता है जैसे मरकज, या आप कहना कि किसी चीज का जो मरकज होता है, सेंटर होता है, वो साकित होता है, तो हरकत कम करते करते वहां तक पहुंच जाना कि मरकज तक पहुंच जाना जहां आपकी हरकत खत्म हो गई, तो ये
बात हो रही है कि ऐसी दो चीजें कंपेयर की जा रही हैं कि दोनों साउंड्स हैं और दोनों साउंड ऐसे हैं कि वो कम होते होते खत्म हो गए, यानी उनकी कोई आहट भी बाकी ना रही, दैट यानी उनका कोई वजूद बाकी ना रहा। तो उसको बताने का ये आप कह लें कि एक ऐसा अंदाज है जैसे कोई शायर बात कर रहा हो, उस बात को समझाने के लिए कि ना तो महसूस कर सकते उसकी आहट, यानी महसूस करने का मतलब यह है कि आहट है और महसूस हो जाए वो भी नहीं हो सकती इतनी कम, यानी उनकी उनका कोई वजूद ही नहीं रहा, और ना ही कोई उनका मरकज है या उनका कोई वजूद है, यानी वो साबित हो गए एक जगह पर कायम हो गए। तो ये अल्फाज के माने हैं। और अब आते हैं कि शरा पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या बात हो रही है कि क्या सहाबा जो हैं उनके दिलों में, जिसे सर नगमा बहुत छोटा सा पॉइंट है, सॉरी मैंने आपको, कि ये जो मुझे एकदम से देख के ये दोनों फ्रेजेस को कि तू हिस्सु बिल्कुल महसूस के हल्का सा महसूस भी नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा सा मूवमेंट का एलिमेंट है और रिक्शा में थोड़ा सा साउंड का एलिमेंट है कहीं के, किसी किस्म का भी उनका एहसास नहीं रहेगा जी। दोनों ये बात साउंड से बताई गई, इस बात को कहना कि उनको हलाक कर दिया वो नहीं रहेंगे, इस बात को ऐसे दो अल्फाज से बताई गई है कि साउंड पहले आता है फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है, सरसराहट होती है, आप महसूस करते हैं जैसे कुछ साउंड है, यानी आप कहते हैं कोई है आवाज कोई आ रही है, लेकिन वो आपको आहट भी सुनाई नहीं देगी। इसी तरह रिक्शा भी मुराद ये है कि वो उनका जो है वो ऐसे मरकज पे आ जाना कि वहां से वो हिली नहीं सकते, तो उनकी आवाज क्या आएगी, तो राइट जी तो भी आवाज की ही महसूस करने, तो हिस्सू भी आवाज की है और ये भी आवाज के लिए दोनों राइट। और हम बात कर रहे थे कि हुद्दा की, कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और ये सहाबा के लिए इस्तेमाल हुआ कि उन, और ये हमारे लिए भी हो सकता है कि कोई शख्स भी अगर देखे इसके अंदर एक ईमान लाने वाला अकीदा है और उस ईमान अकीदे की एज अ रिजल्ट जो आप अमाल करते हैं नेक अमाल, यही दो आपको आपकी सक्सेस की निशानी है। तो अनकरीब लोगों के दिलों में अल्लाह ताला जो है आपके लिए मोहब्बत डाल देगा। वो कैसी मोहब्बत है कि वो आपको चाहने लगेंगे, यानी इमेजिन करें सहाबा को गुजरे हुए कितने अरसा हो गया लेकिन अभी भी चाहत उनके साथ मरकूज हुई। लेकिन सूरह मरियम का ये जो इजाज है कि जो बात की जाती है वो फौरी नजर नहीं आती, जिस तरह पहले भी बात हुई थी, अभी तो इस मौके के बाद उन्होंने बदर में भी अपने लोगों के साथ लड़ाई की और किताल किया, अहद में भी, अलहजाब में भी, यानी कहने का मतलब है कि उनके दिल तो कोई नरम नहीं हो रहे यहाँ पे, लेकिन चंद सालों के बाद 12-14 या 15 सालों के बाद, यानी वही अबू जहल वही इकरमा उसका बेटा वो सब, यानी उनके साथ उनकी दोस्ती और उनकी जो मोहब्बत थी वो दिलों में आ गई। इसका मतलब एक सबर का पहलू बीच में, इस्तकामत का पहलू था जो गुजारना पड़ा, लेकिन खुशखबरी पहले आ गई। तो ये होना चाहिए लेवल ऑफ अकीदा और ईमान के अगर कुरान में कुछ हमें बताया और कह दिया तो ऐसा ही होगा, इट मे टेक इट्स ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो आज भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना चाहिए। तो एनीवे ये थी आज की आयात। अब किस, अब आप लोगों से है बाकी टाइम आप कैसे गुजारना चाहते हैं आज का, रिविजन तदब्बुर कंटेम्पलेशन। सिस्टर अनीस फातिमा, सर मैं थोड़ा सा एक करेक्शन कर लूं आप से भी दिहानी में, अबू जहल निकला, अबू जहल तो मारा गया था बदर में, अबू सुफियान फतेह मक्का के बाद जिंदा था, तो उसके लिए जो है वो... नहीं, नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं, अबू जहल मेकर, अबू जहल जो था दुश्मन था जी, इकरमा कौन था, इकरमा भी दुश्मन में था ना शुरू के, अबू जहल का बेटा, अबू जहल का बेटा नहीं था इकरमा, शिदा साहब जी बेटा था, मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा बेटा दोस्त बन गया, बाप दुश्मन था जी, ठीक है ओके, हाँ बाप तो मारा गया था ना, सही एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ कि अबू जहल को देखें उसके दिल में तो कोई नरमी नहीं आई जी, बिल्कुल बिल्कुल, जबकि उसी जमाने में उसका बेटा जो है वो वन ऑफ द ग्रेट सहाबा बन गया और उसकी दोस्ती और उसका जो उनका जो बाकी आपस में सहाबा की मोहब्बत थी वो किताबों में लिखी हुई है कि हाउ क्लोज दे वर। जज़ाकअल्लाह सर, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया पढ़ने में। आई होप इट्स क्लियर डॉक्टर, करेक्ट।
तो सर ये तो बहुत सी हदीसों में भी, हदीसों की किताबों में और सहाबा के किस्सों में ना बामी मोहब्बत जो है सहाबा की, उनके बहुत सारे किस्से हमें मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं। अच्छा ये मुझे बताइए, फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, इससे क्या पता चल रहा है हमें, क्या अरबी जबान के मुतालिक कोई हमें बात पता चल रही है? जी सर नुसरत। सर यस्सरनाहु आसान कर दिया हमने इसको बिलिसानिका आपकी जबान पर, यानी कुरान जो आप जो तबलीग कर रहे थे कुरान की तरफ इशारा जा रहा है कि हमने इस कुरान को आपकी जबान पर आसान कर दिया ताकि तबशीर भी कुरान के जरिए होगी मुत्तकीन के लिए और इंतजार भी जो होगा अड़ियल लोगों के लिए वो भी कुरान ही के जरिए होगा। तो जो वेपन दिया गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बाद हम सबको तबलीग का, वो कुरान ही होगा। एक्सेलेंट। और इससे तो मुझे एक आयत सूरह अल-कमर की याद आती है, वलकद यस्सरनल कुरआना लिलज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर। जी जी हमने आसान कर दिया कुरान को। अच्छा यहाँ पर जो भी सिस्टर बात कर रही थी ना, आई थिंक सूरह कौफ में है आखिरी आयत, शहजाद भाई वो क्या है कि आप इसके जरिए नसीहत करो, वज़िक्र फज़िक्र बिल कुरान में मैं, हाँ फज़िक्र बिल कुरान में राइट, तो कहने का मतलब कुरान के जरिए नसीहत और कुरान के जरिए आवाज और कुरान के जरिए करनी चाहिए दावत, एक बात तो ये है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्या क्या कोई और आयात भी कुरान में आई है जहां पर कहा गया है कि ये अरबी जबान में कुरान आया है और इसका कोई इसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल सूरह यूसुफ में, शूरा में भी शदीक आए थे जहां तक मुझे याद पड़ता है, सूरह यूसुफ शुरू होती है सूरह शूरा में भी, देखिए कि मैं और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं कि सुन रहा था आपसे शेयर करता हूँ फॉर शेयरिंग, आप सोचेगा ऐसा क्यों है, जो लफ्ज कुरान है अल कुरान, ये कुरान में कितनी मरतबा आया है? 70 times आया है, एक्चुअली 72 times आया है, 70 times आया है जिस तरह हम लिखते हैं कुरान, जिसमें हमजा भी लिखते हैं और अलिफ के ऊपर हमजा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ तो कुरान लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं है अल कुरान, मान जल्ला अलैकल कुरान ली तश्का, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अलिफ भी और हमजा भी, लेकिन दो जगह कुरान में ऐसी है जिसमें अलिफ नहीं लिखा हुआ सिर्फ हमजा लिखी हुई है, और वो दो जगह वही हैं जिनमें कहा गया इन्ना अंजलना कुरान अरबी लअल्लकुम ताकिलून, और सूरह ज़ुख़रुफ़ में इन्ना जअलना कुरान अरबी लअल्लकुम ताकिलून। अगरचे ये बात तो किताबत की हो रही है लेकिन यानी कुछ जो कुरान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं वाय जहाँ कहा गया कुरान को कि इस ये यानी अरबी में इसी नाजिल किया गया ताकि तुम अकल या समझ हासिल कर सको, और वहां पर अलिफ मिसिंग है। एनीवे यहाँ पर 3-4-5 क्वेश्चंस आ गए। जी सिस्टर डॉक्टर फोजिया आपका क्वेश्चन कमेंट। जी सर ये इसी कमेंट है कि फैनमा यसर ना हो बिलिसाने का, कि ये इस से मतलब है बहुत जगह पे आया है जैसे आपने अभी बताया है इसका जिक्र कि अल्लाह ने इत्माम हुज्जत कर दी काफिरों की जो उनकी दावत हक को कबूल नहीं कर रहे थे कि मैंने तो तुम्हारी ही जबान में ये कुरान नाजिल किया है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप ही में से हैं, तो आपके कबूल इस दावत को कबूल ना करने की कोई बाकी नहीं रहती दलील कि आप कहें कि हमें समझ नहीं आ रही जबान कोई और है या कोई और वजह है ना समझने की, रसूल भी आप ही में से है और ये कुरान भी आप ही की जबान में मैंने नाजिल किया, तो ये इत्माम हुज्जत के तौर पे मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला ने उनको खत्म कर दी बात बिल्कुल। एक और बात भी इसमें है कि अगर कुरान अरबी में ना होता तो आसान ना होता, अरेबिक लैंग्वेज के मुताबिक बहुत बड़ी बात की जा रही है कि अरेबिक में होने की वजह से इसके अंदर जो है
कबूल करने का इसका जो स्टाइल है, उसलूब है, वो जी आसान सर, सर बहुत है ना इस जबान में, वुसत बहुत ज्यादा है सर। अगर हम अगर कुरान में जो अल्फाज का इस्तेमाल पर्टिकुलर जगहों पे हुआ है अगर उनको देखें तो कहीं जिबाल आया और कहीं जिबाल नहीं आया, कहीं अरसाहा आया, तो उन वर्ड्स की जब आप उसमें जाते हैं डेप्थ में तो वो इतनी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन वहां पर हो रही होती है पहाड़ों की और हर चीज की। तो जो अगर आप किसी और लैंग्वेज में वो वर्ड ढूंढेंगे तो आपको कई दफा वो वर्ड ही नहीं मिलेगा जो अरबी जबान एक्सप्रेस कर रही होती है। एजाज अभी कुरान का अभी हमने आयतें पढ़ी हैं, ये जो यतफतरना और तनशक्कु और वतखिरुल उल हुदा, ये सारी देखे दोनों इनकी मतलब है मानी के लिहाज से आती हैं, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ हैं और डिफरेंट उनके, फिर कि किस हद तक है कि खुद ब खुद गिर पड़े या गिरे हुए। तो ये अभी ये मिसालें अभी हमारे सामने है ये आयत नंबर 90 की। करेक्ट सिस्टर नादिया आपका कमेंट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैं तो ये कहूंगी कि मुझे इस एंगल से समझ आती है ये बात कि जब कुरान पाक को समझें उसकी जुबान में तो वो बहुत आसान है, और अरबी जुबान अगर आप सीखने लगें या इवन अहादीस पढ़ें तो दे आर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो तरह ने कुरान को एक खास ही असलूब दिया है अरबी जुबान के अंदर भी कि जो समझने के लिए और उसको उसकी डेप्थ तक पहुँचने के लिए बहुत आसान कर दिया उसको। मतलब मुझे तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी समझ से मैं कह रही हूँ कि कुरान को समझना मुझे ज़्यादा आसान लगता है, और उसी इन्हीं अल्फाज को अगर आप हदीस में या लैंग्वेज में चले जाएं तो वो डिफिकल्ट लगती है। करेक्ट ऐसी बात है। करेक्ट जी इमाद भाई मैं भी इसी आयत की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि इसमें पर मकसद क्या है, कुरान तो अरबी में आगे अंदर करने वाला काम क्या है, किससे परहेजगारों को खुशखबरी पहुंचाना है और झगड़ालों को डर सुनाना है, तो ये कौन करेगा मुसलमान के बाद, तो उसकी उम्मत ने करना है। इस काम की हम अहमियत मतलब फोकस हम इस पे रखें करने वाले काम, ये सब कुछ पढ़ने के बाद समझने के बाद अब हम पे हुज्जत कायम हो जाती है कि ये काम करना है। और अगर नॉन मुस्लिम्स के दरमियान हमें तो हमें दावत देनी है, पैगाम पहुंचाना है, और अगर मुस्लिम्स के दरमियान है तो फिर अकामत दीन उसके लिए कोशिश करनी कि अल्लाह का निज़ाम कायम हो। तो इस सैटरडे को एक दावा वर्कशॉप भी हम कर रहे हैं ऑनलाइन है, इमाम जवाद हैं यहाँ पे US में होते हैं, इकना के साथ मुंसलिक हैं, whyislam.org तो उनका एक प्लेटफॉर्म है, तो वो इस पे 7 बजे से 10 बजे के दरमियान 3 घंटे की दावा वर्कशॉप है, मैं इसका लिंक शेयर करूंगा तो इसमें जरूर शामिल होइएगा। शुक्रिया, शेयर लिंक कर दीजिएगा प्लीज, थैंक यू जी। सिस्टर सीमा जी। सर ये जो लिसान की बात हो रही है कुरानी जुबान की, लिसान कुरान की, कि ये आसान है, और फिर जैसे अभी आपने सूरह यूसुफ का हवाला दिया लिताकुलून ताकि तुम अकल करो, तो मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मैंने पढ़ा था कि गालिबन हो सकता है मैं सहाबी का नाम भूल रही हूँ, अबू मूसा अशरी को उन्होंने कहीं गवर्नर बना के भेजा था, तो उन्होंने कहा था कि लोगों को अरबी सिखाओ क्योंकि अरबी जो है अकलों को ऐसे उगाती है जैसे बारिश का पानी सब्जे को उगाता है। तो अरबी सीखने से आपके आसान जुबान है, और सीख के फिर जब अकल आती है तो कुरान का फहम जो है वो आसान होता है, और हमारे लिए दुनिया और आखिरत जो है उसको हासिल करना आसान होता है। पता नहीं बात तो सही लगता है कि सऊदियों को क्या हुआ है, उनको तो अरबी आती है, और दुबई वालों को क्या हुआ है, उनको भी अरबी आती है, बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। सिस्टर अर्जुमन जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको जो मैं मेंशन कर रही थी सूरह शूरा की आयत, तो वो आयत है वकज़ालिका आहैना इलैकल कुरआनन अरबियन लितुनज़िरा उम्मुल कुरा और वमन हौलहा, तो वो ही बात आ जाती है, लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जैसे आप बता रहे थे खाली कुरआनन आया है, इसमें जो आप उसकी बात कर रहे थे ना कि हमजा या अलिफ वो उस तरह से नहीं आया कुरानन अरबियन इस तरह, तो ये मैं खाली आपको पॉइंट आउट कर रही थी कि आपने जब आयत की बात करी थी ना तो ये भी एक आयत है जो मुझे याद आई थी
ये भी आयत है, बिल्कुल है जी, जिसमें आया ये आयत नंबर 7 है, 42, सूरह 42 अशूरा की, अशूरा की जी, करेक्ट। थैंक यू सिस्टर फरीहा। जी सर, बहुत सी बातें हो गई, कुछ कवर अप हो गई, कुछ इसमें यही है कि कुरान इतना आसान, यानी अरबी आसान कही गई है, सब कुछ है, तो वो जो अबू जहल और वो सब एंड कंपनी थे सब, तो अरबी तो उनको भी बहुत आती थी, शोरा थे, अदीब थे, वहाँ तो लैंग्वेज का बहुत दौर दौरा था, सब कुछ था, तो सिर्फ अरबी ज़ुबान आसान उनके लिए भी थी और फहम भी उनको हासिल था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने तो फिर इसको उस तरह से, इसके पैगाम को तो कबूल नहीं किया, तो यानी ये तो फिर अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने जिसको हिदायत की तौफीक देनी थी, वरना अब जिस हज़रत उमर की बात हो रही थी किसी रेफरेंस से, तो हज़रत उमर और अबू जहल के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टुगेदर ही दुआ की थी कि इनमें से किसी एक को तौफीक अता फरमा दें, तो यहाँ पर साइड में भी जिस तरह यह है कि खुशखबरी दें मुत्तकीन को और डराएं झगड़ालू लोगों को, तो अब हमारे लिए भी मतलब अगर पैगाम अपने लिए इन्फर करना है सब कुछ है, तो जाहिर है कि फिर ये जो आसान जुबान है हमारे अंदर एब्जॉर्ब होगा इसका पैगाम, जब तकवा का कुछ लेवल हमारा इम्प्रूव होगा, बेहतर होगा हर वक्त, तो तभी है इसको रिलेट कर सकते हैं उससे। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि यहाँ लिखे लितुबश्शिर बिहिल मुत्तकीन, यानी मुत्तकीन जब बनेंगे तब बशारत मिलेगी, तो पहले मुत्तकीन वाले जो है सिफात वो लेकर आएंगे तो फिर अरबी असर करेगी शायद, मे बी दैट्स। सिस्टर नौरीन, आपका क्या ख्याल है? जी सर, मैंने एक क्वेश्चन करना था सर, कर सकती हूँ? सर जरूर कर सकती है, जवाब की गारंटी कोई नहीं। जी सर, ये लास्ट जो है आयत, इसमें हम मिन को ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि हल से भी शुरू हो रहा है और नकेरा भी है। जी जी जी, बिल्कुल, आप अरबी क्लास में हैं शायद, हल तो हिस्सु मिन मिन आहदिन, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो फिर वही होगा ना कि ये आदिन जो है लफ्जन मजरूरन और महलन मंसूबन कह सकते हैं, क्योंकि ये तो हिस्सु का मफूल समझा जा सकता है, हल तो हिस्सु मिन हम आहदन। और सर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता सर दूसरा कहीं सुनने का, तो फिर ये मैं खुद ही एनालिसिस कर रही थी, तो इसलिए मैंने ये पूछ लिया कि नहीं ये ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है ना, लेकिन माने वाइज जो है, और यहाँ पर हल भी आ गया, तो मैं ये देख रहा था हल और हमजा पे बहुत बहस किसी ग्रुप में हो रही थी, बहुत डिटेल में, तो बहुत अच्छी डिस्कशन थी, सबके साथ शेयर कर लें। एनी अदर क्वेश्चंस कमेंट्स, ये आप तैयार हैं क्विज के लिए नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह? नेक्स्ट वीक के बजाय उसके बाद वाले में दे सकेंगे, ताकि थोड़ा हम लोगों को तैयारी का वक्त मिल जाए, एक हफ्ता तो बहुत ही करीब है। देखिए आपको किसी को सेकंड करना पड़ेगा आपकी रिक्वेस्ट को, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, नहीं लेकिन कोई सेकंड करेगा ना आपकी, तो तब हम मानेंगे बात, कोई और भी एक अगर बाकी सब तैयार है तो फिर तो नहीं आएगा। जी बिल्कुल, मैं भी हाजिर हूँ, मैं भी सेकंड कर रहा हूँ, हमें इससे पहले वो खुद को एक और क्विज देने। अच्छा अच्छा, चल एक सिंपल क्विज दे दें तो दैट विल बी बेटर। बुध को ऑलरेडी एक क्विज है और थर्सडे को ये हो गया, तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा, उस वाले बुध को हम मतलब क्विज नहीं होगा ना नेक्स्ट बुध को, नहीं होगा ये सर, अगर क्योंकि हम लोगों का QC7 का ये पहला क्विज होगा, तो अगर हमें एक सैंपल क्विज मिल जाए तो हमारे लिए थोड़ी सी सैंपल भी, इजाज़ साहब एक सैंपल बनाए लेकिन मेरे साथ मिलकर बनाए शाम तक, ठीक है जी, ठीक है। एक यही बात थी शताब, अभी देखिए आपने भी, हमने देखा कि मुख्तलिफ लोगों ने जैसे एक अल्फाज को ही मुख्तलिफ हवाले से पेश किया है, तो हम लोग उसमें किस तरफ ज्यादा जाए ना, क्योंकि अगर हम उसमें लिखते हैं और अगर क्विज में आपने उसका जवाब कुछ और देखिए, ऐसा नहीं होगा, अब बेफिक्र रहे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसके अंदर आपको ये इशू हो कि जी ये वाला सही हो सकता था, ये भी सही है, इट विल बी वेरी सिंपल, जो हमने पढ़ा है उसको सामने रखते हुए देर विल बी नो कंफ्यूजन इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट। और मेरा ख्याल है आप लोग जो है अब तो आई थिंक इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
ठीक है। सिस्टर सीमा आपका कोई क्वेश्चन पुराना है या अभी हाथ हैंड रेज किया? सर मेरे पास इंटरनेट स्लो है तो मैं लो कर रही हूँ मगर हो नहीं रहा है। अच्छा चले ठीक। तो आज की क्लास शिजा साहब आप कोई बात करना चाहेंगे क्लास से? नहीं सर, बात तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल काफी सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। अब इसके बाद कोई बात अभी किसी ने मुझे अपनी फेवरेट आयत नहीं बताई वैसे। किसी ने अपनी फेवरेट आयत नहीं बताई? डॉक्टर फौजिया बताने लगी है। जी सर, मुझे इस पूरी सूरत में बल्कि अब तक जितना भी मैंने पढ़ा है इस आयत ने तो मुझे हिला के रख दिया है। ये बहुत ही मुझे सख्त आयत महसूस हुई है। जब वो इमा वर्ड को हम कर रहे थे कि ये हरफे तखीर है के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो हरफे तखीर में ये है कि दो चीजों में से एक ऑप्शन मस्ट लेना होता है आपने। तो ये आयत नंबर 75 है, यानी उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह की आयतों से इनकार किया या दावत हक को कबूल नहीं किया, दुनिया में भी अजाब है और आखरत में भी। अगर हम इसको दुनिया और आखरत यानी हर हालत में अजाब है, अगर वो अजाब दुनिया में मिल जाए तो भी, यानी दुनिया या आखरत आप जो भी चुन लो उसमें अजाब ही है। तो मैं समझती हूँ कि ये इम्मा लफ्ज भी यहाँ पे मुझे मतलब है इसकी समझ आई है, और इस आयत से बहुत ज्यादा मैं खौफ ज्यादा हुई हूँ सुन इस पे और करके कि इन दो हर सूरत में अजाब है। बस यही मैंने शेयर करनी थी कि ये आयत मेरे लिए नई थी बिल्कुल। अब तक मैंने जितना भी कुरान पढ़ा है कि मैंने कहीं अल्लाह ताला को इतना ज्यादा, वरना अमूमन ऑप्शन अल्लाह ताला दे देता है तौबा कर लो वापस आ जाओ मैं माफ कर दूंगा मैं रहीम हूँ, मतलब अल्लाह की अपनी सारी जितने भी हम नाम करते हैं अल्लाह, लेकिन यहाँ पे नहीं चॉइस दी गई। यहाँ पे हर दो सूरतों में अजाब है और एक अच्छा चाहे चुनो, वो कहे चाहे जो भी चुन लो आप। सिस्टर लेकिन ये दो दो ग्रुप्स की बात हो रही है, पहला ग्रुप ये है आयत नंबर 76 में, दूसरा ग्रुप है वो भी पढ़ लें तो आप। जी सर ये मतलब है ये उसकी जो मुजरिम ग्रुप है उसी के लिए है ये बात, उसी की बात कर। जी जी इसमें एक्चुअली आपकी बात उसी है कि बहुत से लोग इस दुनिया में उनको मोहलत दी जा रही होती है तो वो ये समझते हैं कि हमारे लिए अजाब नहीं है, तो ये आयत बताती है कि ये दुनिया हो या आखिरत अजाब तो आएगा ही आएगा, बचत नहीं है। ठीक है तो वेरी पर्टिनेंट आयत। जी सिस्टर फायसा आप भी कुछ शेयर करना चाह रही हैं आयत? जी सर आयत नंबर 4 में जो आखिरी वाला हिस्सा है ना, वलम अकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, ये दुआ एक ऐसा टूल है ना हमारे पास कि हमें जब कुछ मतलब हमें लगता है ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता, लेकिन दुआ हमेशा हमेशा हमें पॉजिटिव रखती है ना कि अल्लाह ताला से मांगेंगे तो यकीनन वो चीज़ या सुकून मिलेगा हमें। जैसे सर आजकल है ना कि जैसे सैलाब आया हुआ हम देखते हैं हम कहते हैं हम अपनी कैपेसिटी में चलें जो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतने लोग हैं फिर एंड ये होता है कि दुआ करें उनके लिए एटलीस्ट ये तो हम कर सकते हैं, फिर ये चीज़ है। और इस आयत से क्या पता चलता है? आयत नंबर 4 आपने बड़ी इंटरेस्टिंग आयत बताई, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, कैसे बात पता चलती है कि वो पहले भी दुआएं करते रहते थे, ये पहली दफा नहीं है? जी सर की दुआएं पहले भी कबूल होती थी। सर उसमें हदीस भी आती है ना कि अल्लाह ताला मुस्कुराते मफहूम ऐसा है कि मेरा बंदा दुआ मांगता है और उसकी मुसीबत खत्म होने वाली होती है तो कहता है कि मैंने बड़ी दुआ कर, अब उसका टाइम आ रहा है तो दुआ कबूल होता है, तो वो उसमें ये एक दफा नहीं सर, ये तो मुसलसल है ना, और वो भी तारे मुसलसल अंबिया का तो मतलब तारे पहली चीज ही ये होती है कि अल्लाह से मांगना फिर कुछ और वो करते। बिल्कुल सही, और ये हमने सीरत में भी देखते हैं ऐसा ही है। करेक्ट, यू आर राइट सिस्टर। तो और किसी ने शेयर? अच्छा मैं भूल गया था, सूरह आले इमरान की आयात हमने नहीं पढ़ी, लेकिन शहजाद साहब वो शेयर कर दीजिएगा आयात नंबर आई थिंक 33 ऑनवर्ड्स है जिसमें यही किस्सा बयान हुआ है, तो मैं चाहता हूँ जरा कंपैरिजन करें उन आयात का इन आयात से। जी डॉक्टर अक्षंदा।
सर वो आयत की बात होती ना, तो एक आयत तो उन्होंने सिस्टर फायजा ने बता दी, वो भी मैं मतलब मैंने चूज की थी एक, और एक और है आयत नंबर 60, वो बड़ी उम्मीद अफजा है, तसल्ली वाली आयत है कि अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए तो वो लोग बहिश्त में दाखिल हो जाएंगे और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि गुंजाइश है हमारे पास, हमें मौका दिया जा रहा है कि हम पलट आए और नेक अमाल करें ताकि इन लोगों में शामिल हो सके। तो ये उम्मीद है और मोमिन को उम्मीद और खौफ के दरमियान ही होना चाहिए। तो आपने वो आखिरी बार इसको पूरा करें ना, पिछली आयत के साथ मिलाकर करें तो मेरी फेवरेट आयत बन जाएगी, वो मिम्मन हदैना वज्तबैना, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रु सुज्जदन व बुकिया व खलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउ सलात वत्तबौ शहवाति व सौफ यलकौन गैया। जी सिस्टर फरिया, आपकी फेवरेट आयत। जिसे यही ऑप्टिमिस्टिक नोट को अगर लें तो आयत नंबर 76 में भी है कि अगर हम बाकियात सालेहात के ऊपर ही कुछ कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने अगर कुछ हिदायत का रास्ता दिखाया हो तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं हिदायत में इजाफा करता हूँ, और यही जो बाकी रहने वाली नेकियाँ हैं इसके ऊपर ही इंसान कोशिश करे। और इसके अलावा आयत नंबर 96 में भी है ना कि अल्लाह ताला फिर रहमान जो है वो यानी मोहब्बत डाल देंगे, और किसका दिल नहीं चाहता कि दुनिया में और हर जगह पे उससे मोहब्बत की जाए, ये नेचुरल चीज़ है ना सर। तो उसके लिए बता दिया गया ना कि ईमान और अमले सोलह पे तवज्जो दें, तो हो सकता है कभी ऐसा भी वक्त आएगा जिस तरह से वो अहदीस हैं कि अल्लाह ताला किस तरह से एक यानी इंसानों की एक इंसान को इस तरह से वो कर देता है कि वो दूसरों के लिए मतलब सब लोग उसकी तरफ माइल होते हैं और मोहब्बत पैदा होती है। तो शायद इस लेवल पे आने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है इंसान को। लेकिन एक नेचुरल ख्वाहिश है, एक नेचुरल इंसान का एम या अंदर से कोई कहे या ना कहे, ऑब्वियसली ये चीज तो होती है, कौन चाहेगा कि मतलब उसको डिसलाइक किया जाए, सब चाहेंगे ना दुनिया में भी हर जगह पे, और वहां पे तो चले जो भी है ऑब्वियसली यही सबने चाहना है कि उनकी उनकी वो बच जाए, उनकी फलाह हो जाए और वो कामयाब हो जाए उस इम्तिहान में। लेकिन इस दुनिया में भी तो हर इंसान यही चाहते है ना कि मतलब है कि जो आस पास है सारा जहाँ पे हमने पूरी एक जिंदगी गुजार दी है वहाँ पे मवद्दत की फिजा हो। आयत नंबर 96 के बारे में हदीस में यूं आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब किसी बंदे को पसंद फरमा लेते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मैं फला शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम सारे आसमानों में उसकी मुनादी करा देते हैं और सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, फिर ये मोहब्बत ज़मीन पर नाजिल होती है। इस हदीस को अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि ये आयत इस पर शाहिद है, इस बात पर शाहिद है, और फिर इस आयत की तलावत फरमाई। तो यस, यानी इस आयत से पता चलता है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अल्लाह के महबूब बन जाएं, अल्लाह हमें पसंद फरमा लें। तो अल्लाह हमें पसंद फरमा लेंगे तो फिर दुनिया वाले भी हमें पसंद करना शुरू कर देंगे। इसे सुना दिया सर, ये हर आयत ही बहुत खूबसूरत है अल्लाह की, लेकिन ये जो आखिरी आयत हम अभी पढ़ रहे थे तो मुझे जहन में आ रहा था जिस तरह तुमने फरमाया कि तुम भला उनकी कोई मतलब भनक पाते हो या कोई आवाज़ उनकी आती है महसूस करते हो, तो ये बिल्कुल एहसास इंसान को होता है जब आप कब्रिस्तान जाते हैं तो इतनी बड़ी दुनिया आबाद होती है कब्रिस्तान में और इतने सारे लोग होते हैं और उनकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं। अगर आप किसी को जानते होते हैं तो आपके जहन में घूम जाता है कि ये शख्स ये बात करता था, ये ऐसे कहता था या ये इसकी नेचर थी। तो अब उस वक्त वहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई ना आवाज़ होती है ना कोई कोई मतलब देयर इज नथिंग यू कैन लिसन और जिसकी तरफ तवज्जो करें, सब खामोशी से उस शहर खामोशा में जिस तरह से कहते हैं कि लेटे हुए होते हैं, और इंसान को फिर बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में। इसी तरह से हमने खामोशी से यहाँ पे आके बस जाना है एक वक्त में, और हम सब ने भी एक दिन वहीं जाना है। करेक्ट, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर सिस्टर। जी अर्शद भाई, एक पॉइंट मैं थोड़ा सा कह दूं, आयत नंबर 96 जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे वाकई बहुत ही खूबसूरत आयत है,
और इसमें जो ये आ रहा है ना सैयज अलू, यानी बहुत जल्दी, ये चीज जो है ना ये भी बहुत असर करती है ना कि बहुत जल्दी अल्लाह सुब्हान व तआला जो है वो जो मोहब्बत का जो बात हो रही है आमनु व आमिलु सालिहात, और ये जो दो लफ्ज हैं अल्लज़ीना आमनु व आमिलु सालिहात, ये कुरान में कितनी दफा आए हैं, मुझे उसका नंबर तो नहीं पता, लेकिन यानी यही होती है देख के किस कदर जरूरी है कि ईमान और आमाल साले हमारे साथ साथ चलें। एक भी चीज की कमी होगी तो फिर नहीं होगा, और उसकी बहुत ही हर जगह बहुत ही उनकी कुछ ना कुछ ऐसा बताया गया है कि जो लोग ईमान लाए और आमाल साले की उनको क्या क्या मिलेगा, और जो ये लफ्ज आ जाते हैं ना कि बहुत जल्दी मिलेगा, तो इनसे पता चलता है कि दुनिया और आखिरत दोनों में इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसे लोगों को नवाजेगा। अच्छा एक थोड़ी सी बात नोट कर लें कि सा जो है जिसके लिए जो हम कहते हैं जल्दी, बहुत जल्दी, इसका जो टाइम फ्रेम है ना बहुत जल्दी वाला जी, इसको मुख्तलिफ अंदाज में देखा गया है, मौत भी बहुत करीब है इसको दूर ना समझे, और आखिरत भी बहुत करीब है जी। तो यानी इसकी ट्रांसलेशन में ये है कि ये ना कहें कि जी दो दिन के बाद रिजल्ट आ जाना चाहिए, मैं अमाल भी नेक कर रहा हूँ ईमान भी है मेरा तो मेरी वो मुझे मैं वो क्यों रिसीव नहीं कर रहा मोहब्बत लोगों से, तो ये साथ डज नॉट मीन कि इट्स गोइंग टू हैपन इन 5 days और 10 days, इट कुड बी आफ्टर योर डेथ, वो भी करीब है, ये साथ जो है ना बहुत ही करीब है, हमारी मौत बहुत ही करीब है और हमारी आखिर बहुत ही करीब है जी जी बिल्कुल। सो नेक्स्ट मोमेंट इट कुड बी द नेक्स्ट मोमेंट ना, कुछ कह ही नहीं जा सकता मोमेंट, बट इवन इफ इट इज आफ्टर 20 इयर्स इट्स स्टिल वेरी क्लोज, स्टिल वेरी क्लोज जी बिल्कुल, स्टिल वेरी क्लोज राइट। ठीक हो गया, जज़ाकअल्लाह खैरा, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन, अंटिल नेक्स्ट वीक, सुभानकल्लाहु व बिहम्दिक, अशहदु अल ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, जज़ाकअल्लाहु खैरा। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा सर जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।